जय हिंद। एकेडमी फॉर बीपीएससी एंड बिहार साई में वेलकम करते हैं। यह हमारा सेंटर है बक्सर में और यह हमारी टीम है। अगर आप हमारे मेंस आंसर राइटिंग से जुड़ना चाहते हैं तो आप हमारे इस टेलीग्राम नंबर पे आप मेरे को मैसेज कर सकते हैं, मैं आपको टेलीग्राम के मेंस चैनल पे ऐड कर दूंगा। कुछ लोग बताए हैं इसमें कि हमारा जो डिस्क्रिप्शन में जो आपका टेलीग्राम चैनल है वो वर्क नहीं करता। अगर वर्क नहीं करता तो आप हमारे इस जो नंबर दिया गया है आपका 6200922032 पे आप मेरे को मैसेज कीजिएगा, उस पर मैं आपको टेलीग्राम चैनल पे ऐड कर दूंगा। मेंस का आंसर राइटिंग प्रोग्राम है, तो ये आपको बात बताना था। चलिए स्टार्ट करते हैं अपने डिस्कशन को। ये जो हमारा आज सीरीज स्टार्ट कर रहे हैं ये हमारा बीपीएससी का जो 66 का पेपर का जो बेस है वो हम बेस लिए हैं, और इसमें जो हम एक्सप्लेनेशन देंगे वो 25 साल जो प्रीवियस जो 25 साल में पूछे गए क्वेश्चन है या फिर वो क्वेश्चन जो आगे बन सकते हैं उनको यहाँ पे संकलन किया गया है इसके सॉल्यूशन में। तो आप इसको देखिएगा, इसी बेस हम 66 बीपीएससी को बेस माने और जो सॉल्यूशन होगा आपका 25 ईयर का सॉल्यूशन होगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन उतना इंपॉर्टेंट नहीं है क्योंकि एक सिंपल सा यही क्वेश्चन पूछा जाता है पीटर ड्यूरा के केस में। तो पीटर ड्यूरा क्या है एक तरह का, तो दीवारों में अर्ध कीमती पत्थर जुड़कर फूलों की नक्काशी करना ही क्या होता है, पत्थर आपका क्या कहता है पीटर ड्यूरा टेक्निक होता है। और सिंपल सा है, आप इसको याद कर सकते हैं। पीटर ड्यूरा का जो डेवलपमेंट हुआ है 16वीं से 17वीं शताब्दी में, इसका आपका फ्लरिश किया था। और इसका जो सबसे बेस्ट एग्जांपल ताजमहल को देखा जाता है कि ताजमहल भी एक बहुत अच्छा क्या है पीटर ड्यूरा टेक्निक है, जिसमें क्या होता है इसमें बीच बीच में मार्बलों के बीच में नक्काशी किया हुआ है आपका किससे, अर्धकीमती पत्थरों से। तो इसको क्या कहते हैं टेक्निक होता है आपका पीटर ड्यूरा टेक्निक। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 2 कह रहा है किस मुगल शासक ने चित्रकारी के लिए कारखाने बनवाए थे। तो कौन सा ऐसा मुगल शासक था जिसने चित्रकारी के लिए कारखाना बनाया था, तो ये हमारा जो क्वेश्चन आता है हमारा मुगल आर्ट से आता है। तो मुगल आर्ट यानी मुगल पेंटिंग से आ जाता है ये क्वेश्चन, और हम यहाँ पे आपका मुगल पेंटिंग से आपको क्वेश्चन को देखते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे इसका आंसर जो होगा मुगल शासक ने चित्रकारी के लिए कारखाने बनाए थे जिसका नाम था अकबर। अकबर ने चित्रकारी के लिए कारखाने बनाए थे, उसका वो थे अकबर। और इसका जो नाम दिया था क्या दिया था आपका तस्वीरखाना नाम था आपका चित्रकारी का, यानी आपका कारखाने का नाम क्या था तस्वीरखाना था। और अकबर जो है कारखाने बनाया था इसलिए इसको क्या कहते हैं फादर ऑफ मुगल आर्ट किसको कहते हैं अकबर को कहते हैं। और इसने है इसके टाइम में मुगल पेंटिंग जो है स्टार्ट हुआ था। तो मुगल स्टाइल ऑफ पेंटिंग हम क्या कहते हैं इसको एक तरह का मिनिएचर पेंटिंग है किसका पर्शियन स्टाइल का यह है एक मिनिएचर पेंटिंग है जो कि यहीं से पर्शियन स्टाइल से डेवलप्ड हुआ है। और एक मुगल पेंटिंग जो है आपका इंडो प्लस पर्शियन स्टाइल का मिक्सचर है कौन सा मुगल पेंटिंग है। और इसमें जो है आपका और जो हम रियल फाउंडो होता है मुगल आर्ट का जो मुगल स्कूल का जो रियल फाउंडो कौन होते हैं, तो जो रियल फाउंडो माना जाता है अकबर को ही माना जाता है। इसके टाइम में कौन कौन थे, इसके टाइम में एक तो सैयद अली थे और कौन थे दूसरे अब्दुल समद थे। सैयद अली और अब्दुल समद इसके टाइम में पेंटर थे। और जिसने क्या है अब्दुल समद ने किसका निर्माण किया था, अब्दुल समद ने जो निर्माण किया था वो किए थे आपका हमजा नामा का अब्दुल समद ने किया था। इसके बाद उन्होंने दसवंत ने किया था आपका रजम नामा का, और बसावन जो है अकबर नामा का पेंटिंग किए थे। तो याद रखिएगा कौन कौन से आपके, एक तो है अकबर वो अब्दुल समद जिन्होंने हमजा नामा का पेंटिंग किया था, फिर आते हैं दूसरे दसवंत इन्होंने रजम नामा का किया था, और तीसरे आते हैं बसावन जिन्होंने अकबर नामा का पेंटिंग स्टार्ट किया था। तो ये तीन तरह के पेंटिंग है और इसलिए इनको क्या कहते हैं फाउंडर ऑफ मुगल आर्ट कहते हैं अकबर को। मुगल पेंटर जो है जिनका नाम जिनको हम क्या कहते हैं राफेल ऑफ द ईस्ट, यानी हम राफेल ऑफ ईस्ट के नाम से किसे जानते हैं, तो इनको हम जानते हैं हम राफेल ऑफ द ईस्ट है राजा रवि वर्मा को हम क्या कहते हैं आपको राफेल ऑफ द ईस्ट कहा जाता है मुगल पेंटर जो है राफेल ऑफ द ईस्ट कौन है आपके राजा रवि वर्मा है। ठीक है, अब यहाँ पे जो पहली बार जो पेंटिंग का डेवलपमेंट हुआ था वो किसके टाइम से हुआ था, तो आपका मोहम्मद बिन तुगलक के टाइम से स्टार्ट हुआ था। और पेंटिंग का जो सबसे चरमोत्कर्ष जो रहा है वो कौन सा टाइम रहा है, तो जहांगीर का टाइम है जिसमें पेंटिंग जो सबसे उत्थान पर रहा था। और जहांगीर के टाइम में कौन सा पेंटर था, तो ये थे आपके उस्ताद मंसूर जो थे जहांगीर के टाइम में पेंटर थे। तो ये चीज़ आपको याद होनी चाहिए। और जो औरंगजेब है ये जो है एंटागोनिस्ट था पेंटिंग से लेके, यानी वो विरोधी था पेंटिंग का, तो उसके टाइम में ज़्यादा आपका उत्थान नहीं हुआ है पेंटिंग्स पे लेके। तो ये हमारा पूरा मुगल पेंटिंग से रिलेटेड कुछ आपके क्वेश्चन थे जिसका सॉल्यूशन था जो मैंने दिया आपको, शायद अच्छा लगेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है
बंगाल में द्विशासन प्रणाली किसके द्वारा लागू की गई थी? तो बंगाल में जो द्विशासन प्रणाली है किसके द्वारा किया गया था, तो आपका रॉबर्ट क्लाइव के द्वारा स्टार्ट किया गया था। बंगाल में द्विशासन जो प्रणाली है यानी डुअल सिस्टम है वो किसके द्वारा आया था, तो आपका बंगाल में आपका क्लाइव के द्वारा आया था। और इसको ख़त्म किसने किया था, तो इसको ख़त्म जो किया था आपका वारन हास्टिंग ने किया था, इसको एबोलिश किया था वारन हास्टिंग ने। लाया कौन था आपका, रॉबर्ट क्लाइव ने लाया था। ठीक है, वारन हास्टिंग को क्या होता है, वारन हास्टिंग जो था पहला गवर्नर जनरल था बंगाल का। लेकिन पहले हम बात करते हैं रॉबर्ट क्लाइव का, इसने क्या किया था, ये आपका गवर्नर जनरल था बंगाल का, सॉरी गवर्नर था बंगाल का, गवर्नर जनरल नहीं था, गवर्नर था बंगाल का। फिर जो इसने एक डुअल गवर्नमेंट स्टार्ट करता है, डुअल गवर्नमेंट कहां पे स्टार्ट करता है, बंगाल में स्टार्ट करता है। इसने जो है बैटल ऑफ पलासी लड़ता है किसके साथ, तो बैटल ऑफ पलासी लड़ता है सिराजुद्दौला के साथ, उसमें इसको हरा देता है। और फिर इसके बाद क्या होता है, उसके इसके टाइम में इसने सोसाइटी ऑफ ट्रेड की स्थापना करता है, सोसाइटी ऑफ ट्रेड की स्थापना करता है 1765 में, जो कि बाद में एबॉलिश कर देता है, ख़त्म कर देता है। तो 1765 में क्या होता है, सोसाइटी ऑफ ट्रेड की स्थापना करता है, कौन करता है, रॉबर्ट क्लाइव करता है। तो रॉबर्ट क्लाइव के बारे में जानने का इतना ही चीज़ है, और इसमें जो है आपका ज़्यादा कुछ है नहीं रॉबर्ट क्लाइव में, बस इसने क्या किया था, सिराजुद्दौला के साथ क्या लड़ा था, बैटल ऑफ पलासी लड़ा था 1757 में। कहाँ पर लड़ा था, भागीरथी नदी के किनारे लड़ा था। तो पलासी का युद्ध किसके किनारे हुआ था, भागीरथी नदी के किनारे हुआ था। तो ये हमारा रॉबर्ट क्लाइव से जानने के लिए चीज़ था। और इसके बाद जहाँ हम वारन हास्टिंग में आते हैं, तो इन्होंने क्या क्या किया था, तो वारन हास्टिंग की अगर बात करते हैं तो इसको हम फर्स्ट गवर्नर जनरल कहते हैं बंगाल का। और इसके टाइम में 3 एक्ट पारित हुआ था, मेनली 2 हम मानते हैं। तो पहला है आपका रेगुलेटिंग एक्ट ऑफ 1773 का, जो रेगुलेटिंग एक्ट आया था आपके वारन हास्टिंग के टाइम आया था। और दूसरा है आपका पिट्स इंडिया एक्ट आया था आपका 1784 में, इसी के टाइम में आया था, वारन हास्टिंग के टाइम में आया था, पिट्स इंडिया एक्ट 1784 का वारन हास्टिंग के टाइम आया था। फिर इसने जो है वारन हास्टिंग ने मराठा के साथ जो है पहला युद्ध लड़ा था, यानी फर्स्ट मराठा वार लड़ा था, कब किस कब से कम 1775-82 के बीच में आपका पहला मराठा वार लड़ा था, जिसमें जो टीटी बनाई गई थी उसके टीटी का नाम था टीटी ऑफ सलबाई। कब हुई थी टीटी ऑफ सलबाई, 1782 में, यानी पहला मराठा वार हुआ था 1775-82 में, और इसमें जो है टीटी ऑफ सलबाई हुई थी और 1782 में। फिर जो है इसने दूसरा सेकंड मैसूर वार युद्ध लड़ा था, दूसरा मैसूर वार लड़ा था 1780 से 1784 के बीच में लड़ा था। और इसमें जो है आपको इसने क्या किया था, हैदर अली को मार दिया था, हैदर अली को हरा दिया था, और इसकी उसमें हत्या कर दी थी हैदर अली की। और उसके साथ जो कौन सा संधि होता है, तो ये होता है ट्रीटी ऑफ मद्रास हो जाती है, ट्रीटी ऑफ मद्रास होता है 1784 में। फिर इसके टाइम में एसेटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल की स्थापना होती है, एसेटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल की स्थापना किसके द्वारा होता है, तो ये सर विलियम जॉन्स के द्वारा होता है। और किसके टाइम होता है, वारन हास्टिंग के ही टाइम होता है। फिर बाद में क्या होता है, वारन हास्टिंग को इम्पीच कर दिया जाता है, इम्पीचमेंट इसका होता है, वारन हास्टिंग का हो जाता है, इम्पीचमेंट हो जाता है। तो ये रहा आपका, और वारन हास्टिंग का जो टाइम पीरियड था 1773 से लेकर 1785 के बीच में था। तो 1773 से लेकर 1785 के बीच में किसका टाइम पीरियड था, तो ये आपका वारन हास्टिंग का टाइम था। नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं आपका विलियम बेंटिंक का टाइम। तो विलियम बेंटिंक का जो टाइम था ये आपका 1828 से लेकर 1835 था। विलियम बेंटिंक का टाइम क्या था, 1828 से लेकर 1835 था। और इसके टाइम में क्या क्या होता है, इसने जो सबसे पहले तो है सती सिस्टम को ख़त्म करता है, सती प्रथा का अंत करता है, कौन करता है आपका विलियम बेंटिंक, और 1829 में इस ख़त्म करता है। ब्रह्म समाज की स्थापना होती है 1828 में। उसके बाद ठगों का उन्मूलन करता है, कौन करता है, विलियम बेंटिंक करता है, किससे करवाता है आपका कैप्टन सिलीमान से करवाता है। यानी ठगों का सप्रेशन जो होता है 1830 में होता है, किसके टाइम में होता है, विलियम बेंटिंक के टाइम होता है, कौन करता है, कैप्टन सिलीमान करता है, याद रखिएगा। फिर इसी के टाइम में आपका चार्टर एक्ट, चार्टर अधिनियम 1833 का चार्टर एक्ट आता है आपका विलियम बेंटिंक के टाइम में। और इस विलियम बेंटिंक ही नहीं क्या करता है, आपको जो इन्फेंटिसाइड होता है, भ्रूण हत्या पे रोक लगाता है, और इसको एक पनिशेबल क्राइम बनाता है, कौन बनाता है आपका विलियम बेंटिंक बनाता है। फिर जो है जो मैकेले का माइन्यूट एजुकेशन रिफॉर्म आया था वो भी आपका इसी के टाइम में आया था। और इसने क्या किया था आपको कि जो आपका हायर एजुकेशन के लिए इंग्लिश को कंपलसरी कर दिया था, हायर एजुकेशन में इंग्लिश को कंपलसरी बना दिया था, कौन बनाया था, विलियम बेंटिंक बनाया था। ठीक है, नेक्स्ट हमारा आता है लॉर्ड कर्जन के टाइम, आप याद रखिएगा। लॉर्ड कर्जन जो है हमारा, लॉर्ड कर्जन यानी यहाँ पे इनका जो टाइम पीरियड होता है 1899 से लेके 1905 तक होता है, 1899 से लेके 1905 तक होता है, किसका आपका लॉर्ड कर्जन का टाइम। और कर्जन जो है आपका सबसे यंगेस्ट वाइसराय होता है, सबसे यंगेस्ट वाइसराय कौन होता है आपका, लॉर्ड कर्जन होता है। इसके टाइम में देखिए जो जो घटनाएं होती है वह आप लिखते जाइएगा। इसके टाइम में एक तो पहला होता है आपका फ्रेजर कमीशन का निर्माण होता है, फ्रेजर कमीशन का जो गठन होता है, और किसके लिए होता है, पुलिस रिफॉर्म के लिए होता है। पुलिस रिफॉर्म के लिए कौन सा कमीशन आता है आपका, फ्रेजर कमीशन आता है। फिर जो है यूनिवर्सिटी कमीशन बनाता है, नहीं सॉरी रेले कमीशन बनाता है, रेले कमीशन बनाता है किसके लिए आपका, यूनिवर्सिटी
यूनिवर्सिटी रिफॉर्म के लिए, यूनिवर्सिटी रिफॉर्म के लिए रेले कमीशन बनाता है। और फिर बाद में क्या आता है, 1904 में यूनिवर्सिटी एक्ट आता है। इसी के अंतर क्या होता है, यूनिवर्सिटी एक्ट आता है 1904 में। तो ये दो चीज़ आता है आपका कर्जन के टाइम में। फिर जो है इसने जो है कलकत्ता कॉरपोरेशन एक्ट लाता है 1899 में। उसके बाद है आपका एंशियंट मॉन्यूमेंट प्रिजर्वेशन एक्ट लाता है। एक तो लाता है कलकत्ता कॉरपोरेशन एक्ट 1899 में लाता है, फिर जो है एंशियंट मॉन्यूमेंट प्रिजर्वेशन एक्ट लाता है, इसमें क्या होता है 1904 में लाता है। और इसमें जो है आर्कोलॉजिकल सर्वे, आर्कोलॉजिकल डिपार्टमेंट का स्थापना करता है। ठीक है, एंशियंट मॉन्यूमेंट प्रिजर्वेशन एक्ट के तहत यह है आर्कोलॉजिकल डिपार्टमेंट का स्थापना करता है। फिर जो है इसके टाइम में बंगाल का विभाजन होता है, बंगाल विभाजन होता है। और उसके बाद स्वदेशी मूवमेंट का इसी के टाइम में होता है। फिर जो है तिब्बत के लिए जो है यंग हसबेंड मिशन जो लाता है तिब्बत के लिए 1904 में लाता है। तो इतना चाहिए आपको। फिर जो है इसके साथ एक कंट्रोवर्सी होता है, किसके साथ जुड़ता है, किचनर का कंट्रोवर्सी होता है KITCHNER किचनर का है कंट्रोवर्सी होता है इसके साथ। और क्या हो सकता है इसके साथ जो एक और जो घटना हुआ था इसके साथ, ये जो है कि गोखले ने इसका जो कंपेरिजन है किसके साथ किया था, औरंगजेब के साथ किया था। गोपाल किस गोखले ने कर्जन का कंपेरिजन किसके साथ किया था, आपका औरंगजेब के साथ किया था। इसके साथ ही इसने जो आपके कर्जन ने पंजाब लैंड एलिनेशन एक्ट लाया था। पंजाब लैंड एलिनेशन एक्ट किसके अंदर आया था, आपका कर्जन के टाइम में आया था। इसने रेलवे को एक्सपेंड करने के लिए एक कमीशन बैठाता है, रॉबर्टसन आयोग बनाता है 1901 में। रॉबर्टसन आयोग कब आता है, 1901 में आता है। किसके टाइम में, लॉर्ड कर्जन बनाता है। किसके लिए बनाता है, आपका एक्सपेंशन ऑफ रेलवे लाइन, रेलवे के एक्सपेंशन के लिए करता है। और इसने आपको INC को क्या कहता है, INC को कहता है कि कांग्रेस क्या है, एक तरह का टोटरिंग टू इट्स फॉल, ये अपने फॉल गिर रही है, टोटरिंग टू इट्स फॉल यानी गिर रही है वो कांग्रेस। तो ये बात जो कहता है, कौन कहता है, लॉर्ड कर्जन करता है। तो ये हमारा कर्जन से रिलेटेड ये क्वेश्चन हो गया। आप इसको मेन पॉइंट आप इसको क्या कहिएगा, नोट करते जाइएगा। तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर थर्ड है, इसका आंसर क्या हो जाएगा, हमारा रॉबर्ट क्लाइव हो जाएगा, ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। द्वि शासन प्रणाली जो है आपका रॉबर्ट क्लाइव लाता है, वायन हार्टिंग इसको एबोलिश कर देता है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर चार है, क्वेश्चन नंबर चार इनमें से किसने 1893 में शिकागो में आयोजित धर्म संसद में भाग लिया था, इनमें से कौन जो था जो 1893 में शिकागो में आयोजित धर्म संसद में भाग लिए थे। तो ये जो थे कौन थे, हमारे स्वामी विवेकानंद थे। स्वामी विवेकानंद ने 1893 में शिकागो में आयोजित हुआ था धर्म संसद, उसमें उन्होंने भाग लिया था। शिकागो कौन सी नदी के किनारे है, आपके मिशिगन नदी के किनारे है। तो अगर हम बात करते हैं स्वामी विवेकानंद का, तो स्वामी विवेकानंद से क्या है, इनका जो मूल नाम है क्या है, आपका मूल शंकर नाम है, सॉरी मूल शंकर है नरेंद्रनाथ दत्त है। स्वामी विवेकानंद का क्या नाम है, नरेंद्रनाथ दत्त है। और इनको जो है स्वामी आपको जो विवेकानंद की उपाधि किसको मिला था, तो विवेकानंद की उपाधि कौन दिया था, ये जो है आपका महाराजा है अजीत सिंह, महाराजा अजीत सिंह है कहाँ के, क्षेत्रीय के, इन्होंने इनको क्या कहा था, आपका विवेकानंद की उपाधि दी थी। ठीक है, इनके जन्मदिन पर हम क्या कौन सा डेट मनाते हैं, नेशनल यूथ डे, राष्ट्रीय युवा दिवस हम इनके बर्थडे पे मनाते हैं। फिर जो है इन फिर जो है ये जो ये फिलॉसफी देते थे किस पे देते थे, वेदांत पे देते थे। और किस पे थे, योगा पे, वेदांत और योगा पे ये क्या करते थे, फिलॉसफी देते थे। और इनको जो है मेकर ऑफ इंडिया, मॉडर्न ईयर मेकर ऑफ मॉडर्न इंडिया यानी आधुनिक भारत का निर्माता कहा था, किसने कहा था, सुभाष चंद्र बोस ने कहा था। तो सुभाष चंद्र बोस ने स्वामी विवेकानंद को कहा था कि वो क्या है, मेकर ऑफ इंडिया, मेकर ऑफ मॉडर्न इंडिया है यानी आधुनिक भारत के निर्माता है, सुभाष चंद्र बोस ने कहा था। फिर इन्होंने रामकृष्ण मिशन की स्थापना करते हैं, फिर इन्होंने 1897 में। और फिर जो आपके 1899 में इन्होंने बेलूर मठ की स्थापना करते हैं, 1899 में बेलूर मठ की स्थापना करते हैं। तो ये इतनी सारी बातें जो आपका स्वामी विवेकानंद से रिलेटेड है। तो यहाँ से क्वेश्चन आ सकता है, एक क्वेश्चन है आपका करंट में कि स्वामी विवेकानंद आपका यूनिवर्सिटी है, आपका योग यूनिवर्सिटी कहाँ पर खुला है, लॉस एंजलस में अभी खुला हुआ है हाल ही में। तो ये हमारा स्वामी विवेकानंद से क्वेश्चन आपका कंप्लीट होता है। नेक्स्ट हम आप देखते हैं, अब हम स्वामी दयानंद सरस्वती के बारे में, इनके बारे में भी देख लेते हैं क्योंकि इनके बारे में क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया है BPSC में। तो इनका जो इनका रियल नाम क्या है, आपका मूल शंकर नाम है। इनका रियल नेम क्या है, आपका मूल शंकर नाम है। और इनका इन्होंने कौन सा लिखा था, इन्होंने लिखा था आपका कौन सा है, सत्यार्थ प्रकाश। इनकी बुक का नाम क्या है, आपका सत्यार्थ प्रकाश है। और इन्होंने किसकी स्थापना की थी, आर्य समाज की स्थापना की थी। कब की थी, 1875 में आर्य समाज की स्थापना करते हैं। और कहाँ पे करते हैं, बॉम्बे में करते हैं। आर्य समाज की स्थापना कहाँ करते हैं, बॉम्बे में करते हैं। ये पहले ऐसे इंडियन थे, भारतीय थे, जिन्होंने क्या कहा था, स्वराज के बारे में बताया था। ये पहले इंडियन थे जिन्होंने स्वराज को एक्सप्लेन किया था और बताया था स्वराज का कि इंडिया जो होना चाहिए, इंडिया फॉर इंडियंस का नारा दिया था। यानी ये स्वराज के बारे में
कहता है कि इंडिया जो होगा किसके द्वारा चलेगा, इंडियंस के द्वारा चलेगा। यानी इंडिया फॉर इंडियन का नारा जो दिया था किसने दिया था, आपका स्वामी दयानंद सरस्वती ने दिया था। कब दिया था, 1876 में दिया था। फिर जो है इन्होंने एक गो बैक टू वेदा का नारा यानी वेदों की ओर लौटो का नारा भी इन्होंने दिया था। गो बैक टू वेदा यानी वेदों की ओर लौटो का नारा इन्होंने ही दिया था। फिर इन्होंने एक शुद्धि मूवमेंट भी स्थापना की थी। शुद्धि मूवमेंट भी इन्हीं से रिलेटेड था। किसने स्टार्ट किया था, आपका शुद्धि मूवमेंट ये किए थे आपके स्वामी दयानंद सरस्वती। और ये जो है हमारे जो आर्य समाज का जो हेडक्वार्टर है उसका हेडक्वार्टर कहाँ पे था, आपका लाहौर में था। और इसलिए जो लाहौर में क्या था, पहला DAV स्कूल खोला था इन्होंने, लाहौर में पहला DAV स्कूल खोला था, लाहौर में खोला था, याद रखिएगा। इतना सारा चीज़ आपका किससे संबंधित है, आपका दयानंद सरस्वती से संबंधित है। अगर हम बात करते हैं आपका राजा राम मोहन रॉय का, तो राजा राम मोहन रॉय से क्या संबंधित है, तो इनको हम फादर ऑफ मॉडर्न इंडिया रेनेसांस कहते हैं, फादर ऑफ मॉडर्न इंडिया रेनेसांस कहते हैं। देखिए अगर आधुनिक भारत का पितामह किसे कहते हैं, तो आधुनिक भारत का पितामह राजा राम मोहन रॉय को कहते हैं। अगर वहीं आधुनिक भारत का निर्माता है वो कौन है, विवेकानंद है। आधुनिक भारत का निर्माता विवेकानंद, और आधुनिक भारत के पितामह कौन है, आपके राजा राम मोहन रॉय ने। इसको इनको राजा की उपाधि किसने दी थी, तो अकबर द्वितीय ने दी थी, अकबर टू ने इनको राजा की उपाधि दी थी। फिर क्या इसमें, और जो है ये जो है एकेश्वरवाद में विश्वास रखते थे। किसमें विश्वास रखते थे, एकेश्वरवाद में विश्वास रखते थे। और इन्होंने एक पत्रिका है जिसका नाम है तुफुहत उल मुहाविदीन जो है इनकी पत्रिका है, जो कि 1804 में रिलीज की थी। और फिर जो है 1815 में इन्होंने आत्मीय सभा का स्थापना किया था। आत्मीय सभा की स्थापना 1815 में करते हैं। फिर जो है वेदांत कॉलेज का स्थापना 1825 में करते हैं। वेदांत कॉलेज का स्थापना कब करते हैं, 1825 में करते हैं। फिर जो है इन परसेप्ट ऑफ जीसस की स्थापना 1820 में लिखते हैं। इन परसेप्ट ऑफ जीसस 1820 में लिखते हैं। ब्रह्म समाज की स्थापना 1828 में करते हैं। फिर ब्राह्मणिकल मैगजीन है 1821 में मैगजीन डालते हैं। फिर संवाद कॉमेडी 1821 में। फिर मिरातुल अखबार को ये डालते हैं। अब इसमें क्या क्या है फिर से एक बार देख लेता है। फिर से पहले तो क्या है, इन्होंने अकबर टू से इनको राजा की उपाधि मिलती है, एकेश्वरवाद में विश्वास रखते हैं। तो फुहत उल मुहाविदीन जो है 1804 में ये करते हैं। फिर उसके बाद आत्मीय सभा 1815 में करते हैं। इन परसेप्ट ऑफ जीसस जो है 1820 में करते हैं। ब्रह्म समाज की स्थापना 1828 में करते हैं। एबोलिशन ऑफ सती आपको पता है बहुत बड़ा योगदान था एबोलिशन ऑफ सती में। फिर जो है वेदांत कॉलेज की स्थापना 1825 में करते हैं। ब्राह्मणिकल मैगजीन जो है मैगजीन डालते हैं 1821 में। ये भी मैगजीन आपका संवाद कौमुदी, ये भी आपका 1821 में। अब मीरा अखबार को भी इन्होंने निकाला था। तो ये चीज आपके फैक्ट जो आपका किससे संबंधित है, आपका राजा राम मोहन रॉय से संबंधित है। इसके अलावा क्वेश्चन आ भी सकता है, लेकिन यहां तक आपका आने का चांसेस है। आप पिछले बहुत बार आया हुआ भी है इसमें से कुछ क्वेश्चन, और कुछ क्वेश्चन आगे आ भी सकता है। अब हम बात करते हैं आपके महात्मा गांधी के बारे में। अब ये है महात्मा गांधी, यहाँ हम चारों क्वेश्चन को देखेंगे महात्मा गांधी के। तो महात्मा गांधी का अगर देखेंगे तो ये हमारा 151वां बर्थडे है, 151 नंबर का बर्थडे है। और इनके जन्मदिन पे हम क्या है, इंटरनेशनल डे ऑफ नॉन वायलेंस मनाते हैं, अंतर्राष्ट्रीय अहिंसा दिवस इनके बर्थडे पर मनाया जाता है। और इनके नाम पर एक प्राइज़ दिया जाता है जिसका नाम है गांधी पीस प्राइज़ दिया जाता है। शांति के नाम का एक प्राइज़ दिया जाता है जिसका नाम है गांधी पीस प्राइज़ दिया जाता है। और किसको मिला है गांधी पीस प्राइज़ इस बार का, तो आपका शेख मुजीबुर रहमान को मिला है। अब इसके जो है आप जो है पहली बार जो आप भारत आए थे 9 जनवरी आए थे, इसलिए उनको क्या कहते हैं, इनको प्रवासी भारतीय दिवस में उस दिन को मनाया जाता है, 9 जनवरी को मनाते हैं। 1915 में आए थे और प्रवासी भारतीय दिवस मनाते हैं। इन्होंने आते ही क्या किया, सत्याग्रह किया था। कहाँ पे, इन्होंने आते ही केक खाया था, CAK यानी चंपारण आंदोलन किए थे। फिर अहमदाबाद में स्ट्राइक किए थे, और फिर जो खेड़ा सत्याग्रह किए थे। ये तीन सत्याग्रह इनका जुड़ा हुआ है 1917 में 1918 के बीच में। कौन कौन सा है, चंपारण है, अहमदाबाद है, और आपका खेड़ा है। यानी आते ही क्या किए थे, केक खाए थे। उसके बाद जो है उन्होंने क्या किया था, उन्होंने आपका जालियांवाला बाग इनके टाइम में हो गया था। ये बहुत बड़ी दुखद घटना है जो इनके टाइम में रहते हुए हुआ था। कहाँ पे हुआ था, आपका अमृतसर में जालियांवाला बाग हुआ था 13 अप्रैल 1919 को हुआ था। और फिर जो है आपका इन्होंने रॉलेक्स सत्याग्रह किया था, इससे पहले किया था जालियांवाला बाग से पहले इन्होंने रॉलेक्स सत्याग्रह किया था 1919 में। उसके बाद जालियांवाला बाग हुआ, उसके बाद जो है एनसीएम स्थापित करते हैं, जो एनसीएम जो है नॉन कॉपरेशन मूवमेंट यानी असहयोग आंदोलन करते हैं 1920 में। फिर जो है इनको ये जो है सपोर्ट करते हैं खिलाफत आंदोलन का ये सपोर्ट करते हैं। फिर उसके बाद क्या होता है, 1922 में 5 फरवरी 1922 को चौरी चौरा इंसिडेंट हो जाता है। कहाँ पे होता है चौरी चौरा इंसिडेंट, तो होता है आपका गोरखपुर में। चौरी चौरा इंसिडेंट होता है गोरखपुर में, जिसके वजह से क्या होता है, वो एनसीएम को क्या करते हैं, एनसीएम को यानी असहयोग आंदोलन को सस्पेंड कर देते हैं। और कहाँ से सस्पेंड करते हैं, तो बारदोली से करते हैं। कहाँ से सस्पेंड करते हैं, तो बारदोली से कर देते हैं, याद रखिएगा इतना चीज़। और ये जो है आपका
फिर 1924 में क्या करते हैं, INC के अध्यक्षता करते हैं, पहली बार INC के अध्यक्षता करते हैं गांधी जी, एकमात्र करते हैं बेलगांव अधिवेशन में 1924 का। उसके बाद जो है आपका CDM यानी सिविल डिसऑबिडियंस मूवमेंट यानी आपका सविनय अवज्ञा आंदोलन का स्थापना करते हैं 1930 में, और यहीं पे आपको सॉल्ट लॉक तोड़ते हैं और डांडी मार्च की स्थापना करते हैं, डांडी मार्च 1930 में। फिर इनका होता है आपका इरविन के साथ एक पैक्ट होता है जिसको कहते हैं गांधी इरविन पैक्ट होता है 5 मार्च 1931 को। क्वेश्चन पूछा हुआ है BPSC में, गांधी इरविन पैक्ट होता है 5 मार्च 1931 को, और कौन मजबूर करता है गांधी इरविन पैक्ट पे, तो राज आपके जो तेज बहादुर सप्रू है उनका योगदान रहता है आपका गांधी इरविन पैक्ट में। और गांधी इरविन पैक्ट को क्या कहती है, दो महात्मा कहती है आपको सरोजिनी नायडू कहती है। उसके बाद जो है गांधी जी है एकमात्र जो है आपका इसमें जो है आपका सेकंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में भाग लेते हैं, एकमात्र जो कॉन्फ्रेंस है जिसमें भाग हैं और कांग्रेस को रिप्रेजेंट करते हैं महात्मा गांधी। उसके बाद जो है 1940 में इंडिविजुअल सत्याग्रह स्टार्ट करते हैं। फिर जो है इनके टाइम में World War II स्टार्ट होता है, जिसके बाद वह कैबिनेट मिशन आता है, उसके बाद कैबिनेट मिशन फेल हो जाता है तो क्या करते हैं स्टार्ट करते हैं गांधी जी क्विट इंडिया मूवमेंट स्टार्ट कर देते हैं। उसके बाद जो है पूना पैक्ट ये करते हैं अंबेडकर जी के साथ 1932 में, और इनकी दो ऑटोबायोग्राफी आप याद रखिएगा, इनके दो ऑटोबायोग्राफी कौन कौन सा है, एक तो है आपका हिंद स्वराज है और दूसरा है आपका माई एक्सपेरिमेंट विद ट्रूथ है, तो ये दो आप इसको याद रखिएगा। तो ये चीज़ आपका किससे संबंधित है, आपका महात्मा गांधी से। आई होप अच्छा लगे, एक बार फिर से देख लेते हैं महात्मा गांधी ने क्या क्या किया है। तो पहले तो आपका सत्याग्रह किया था आपका CAK चंपारण में, अहमदाबाद में और आपका खेड़ा में। फिर रॉलेक सत्याग्रह हुआ था 1919 में, फिर उसके बाद जालियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था, फिर NCM के स्थापना किए थे 1920 में, फिर खिलाफत का सपोर्ट किए थे, उसके बाद जो है चौरी चौरा इंसिडेंट होता है, फिर आपका NCM जो है खत्म कर देते हैं। उसके बाद जो है आपका चौरी चौरा कब होता है, 5 फरवरी 1922 को होता है, फिर NCM सस्पेंड करते हैं। कहां से सस्पेंड होता है NCM, तो ये करते हैं आपका बारदोली से करते हैं। फिर उसके बाद क्या हो जाएगा, फिर 1924 में क्या करते हैं INC की अध्यक्षता करते हैं, CDM यानी सविनय अवज्ञा आंदोलन करते हैं, फिर डांडी मार्च करते हैं, उसके बाद जो है गांधी इरविन पैक्ट होता है, फिर इंडिविजुअल सत्याग्रह करते हैं, फिर क्विट इंडिया मूवमेंट होता है, और आपका अंबेडकर जी के साथ क्या होता है पूना पैक्ट होता है। इनकी दो ऑटोबायोग्राफी है जिसका नाम है आपका हिंद स्वराज और माई एक्सपेरिमेंट विद ट्रूथ। ये चीज़ें किससे रिलेटेड है, आपका महात्मा गांधी से रिलेटेड है। आई होप कि अच्छा लगा हुआ, और नेक्स्ट क्वेश्चन में हम बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 5 जो हमारा क्वेश्चन है आज का। 1923 में स्वराज पार्टी का गठन किसने किया था, तो 1923 में आपका स्वराज, इसका तो ऊपर मैंने आंसर बता दिया था ना, हाँ स्वामी विवेकानंद। शिकागो में कौन भाग लिया था, आपका स्वामी विवेकानंद लिए थे, और शिकागो जो है आपका मिशिगन नदी के किनारे है, आप याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 5 का रहा है, 1923 में स्वराज पार्टी का गठन किसने किया था, तो 1923 में जो है स्वराज पार्टी का गठन जो है किसने किया था, तो आपका CR दास और मोतीलाल नेहरू ने किया था। स्वराज पार्टी का गठन किसने किया था, CR दास और मोतीलाल नेहरू ने किया था। क्यों किया था, क्योंकि जो है 1900 जब गांधी जी ने NCM स्टार्ट किया था, ये बहुत ही अच्छे फ्लो में चल रहा था, बहुत ही सही फ्लो में चल रहा था, ताकि बहुत ही सबको मतलब सब कुछ सही से चल रहा था, लेकिन चौरी चौरा इंसिडेंट होने के कारण जो है जब गांधी जी सस्पेंड कर देते हैं, तो ये दोनों जो है आपका बहुत ही इनको बहुत वो होता है, हर्ट होता है कि ऐसा नहीं करना चाहिए गांधी जी को, एकमात्र डिसीजन कैसे ले सकते हैं, अपने खुद से डिसीजन कैसे ले सकते हैं, तो इसलिए इन्होंने क्या किया, यहाँ से हट के इन्होंने क्या स्टार्ट किया, एक स्वराज पार्टी का गठन किया 1923 में, और इसके अध्यक्ष कौन बनते हैं आपके CR दास बनते हैं, और इसके सचिव कौन बनते हैं आपके मोतीलाल नेहरू बनते हैं। तो अगर हम बात करते हैं CR दास के बारे में, तो CR दास को हम क्या कहते हैं, पहले इनको देख लेते हैं CR दास को, क्योंकि क्वेश्चन हर तरह से बन सकता है। तो क्वेश्चन है इनको CR दास को चितरंजन दास कह सकते हैं, इनको CR शॉर्ट फुल फॉर्म क्या होता है, चितरंजन दास होता है, क्योंकि कभी कभी फुल फॉर्म भी दे देता है, तो आप कंफ्यूज हो जाएंगे कि CR दास को चितरंजन दास कहते हैं, तो यहाँ पे अफीर होता है एक, इनको देश बंधु कहते थे, कौन कहता था देश बंधु, CR दास को देश बंधु कौन कहता था, तो ये कहते थे महात्मा गांधी कहते थे, महात्मा गांधी CR दास को देश बंधु कहते थे। और बहुत बड़ा उपलब्धि क्या था इनको, कि ये जो है अलीपुर कॉन्स्पिरेसी केस जो चला था, ये इसको एडवोकेट किए थे, यानी आपको जो अरविंद घोष पे जो अरविंद घोष को बचाए थे अलीपुर कॉन्स्पिरेसी केस में, एडवोकेट किए थे कौन आपके CR दास अलीपुर कॉन्स्पिरेसी केस में किसको बचाए थे, अरविंद घोष को बचाए थे। और इनके जो पत्रिका है जिसका नाम है आपका वंदे मातरम किसका पत्रिका है आपका, वीकली है, और किसका है आपका, CR दास का है। और इन्होंने स्वराज पार्टी की गठन की थी 1923 में, ये चीज़ आपको याद होना चाहिए CR दास के बारे में। नेक्स्ट आप आते हैं मोतीलाल नेहरू के बारे में ज़्यादा कुछ नहीं, इनका जो है सबसे अच्छा जो सबसे फेमस जो आपका 1928 का जो नेहरू रिपोर्ट है ना, बहुत ही फेमस है,
पूरे इतिहास के सबसे अगर मोतीलाल नेहरू का नाम लिया जाता है, आपका नेहरू रिपोर्ट के लिए दिया जाता है, और यहीं से एक क्रांतिकारी विचार उत्पन्न होता है। तो मोतीलाल नेहरू का एकमात्र सबसे बड़ा उद्देश्य था आपका इनका, आपको क्या किया था, इन्होंने नेहरू रिपोर्ट को पेश किया था। फिर जो है इन्होंने INC के दो बार अध्यक्षता की थी, पहली बार जो आपका 1919 में अमृतसर अधिवेशन में किया था, और 1928 में कलकत्ता अधिवेशन किया था आपका मोतीलाल नेहरू ने। फिर स्वराज पार्टी के आपके क्या बन गए थे, सचिव बन गए थे ये। फिर यहाँ पे अगर बात करते हैं सरदार पटेल की बात में, तो सरदार वल्लभ भाई पटेल के बारे में देखते हैं, तो इनके बारे में है कि इनकी जो जन्मतिथि है आपका 31 अक्टूबर है, इसलिए हम 31 अक्टूबर को क्या मनाते हैं, नेशनल इंटीग्रेशन डे, चाहे यूनिटी डे, यानी राष्ट्रीय एकता दिवस के रूप में हम मनाते हैं सरदार वल्लभ भाई पटेल के। और इनके जो है इनका आपका इमेज जो है यहाँ पे बनाया गया, एक स्टैचू बनाया गया है इनके नाम पे, कहाँ पे, केवड़िया गुजरात में, और वर्ल्ड की सबसे सेकंड शायद वर्ल्ड की बड़ी स्टैचू है, वन ऑफ द वर्ल्ड बेस्ट स्टैचू है। और ये जो है पहले हमारे होम मिनिस्टर है, पहले होम मिनिस्टर, चाहे फिर पहले क्या है आपके डेप्यूटी प्राइम मिनिस्टर है, ये पहले आपके होम मिनिस्टर, पहले डेप्यूटी प्राइम मिनिस्टर है। और इन्होंने किसको आपके एक सत्याग्रह जिसका नाम बारदोली सत्याग्रह की क्या की थी, अध्यक्षता की थी। बारदोली सत्याग्रह 1928 में होता है, जिसकी अध्यक्षता कौन किया था, सरदार पटेल ने किया था। और इससे इम्प्रेस होकर जो बारदोली की जो महिलाएं हैं इनको सरदार की उपाधि दी थी, इससे इम्प्रेस होकर बारदोली की महिला जो है इनको सरदार की उपाधि दी थी। इनको आयरन मैन ऑफ इंडिया भी कहते हैं, इनको जो कहते हैं लौह पुरुष कहते हैं भारत का। और स्टैचू ऑफ यूनिटी इन्हीं के नाम पर बना गया है। और इन्होंने कराची सत्र की अध्यक्षता की थी 1931 में कराची सेशन की अध्यक्षता किसने किया था, तो आपके सरदार वल्लभ भाई पटेल ने किया था। फिर इन्होंने ICS जो है आपके जो सिविल सर्विस है इनको कहा था कि स्टील फ्रेम ऑफ इंडिया, ICS यानी सिविल सर्वेंट को क्या कहते हैं, स्टील फ्रेम ऑफ इंडिया कहते हैं। और इन्होंने हमारे इंडिया को यूनाइट करने में बहुत ही बड़ा योगदान किया था, जिसके वजह से इनको क्या कहते हैं, भारत का बिस्मार्क कहा जाता है, भारत का बिस्मार्क कहा जाता है। तो इनके बारे में देख लीजिए कि शुरू से क्या क्या है आपका, 31 अक्टूबर को इनका बर्थडे होता है, जिसके नाम पे हम क्या मनाते हैं, यूनिटी डे मनाते हैं, नेशनल इंटीग्रेशन डे मनाते हैं, राष्ट्रीय एकता दिवस। और फिर जो है ये पहले होम मिनिस्टर थे और जो है पहले डेप्यूटी प्राइम मिनिस्टर थे। इनके बारदोली सत्याग्रह को इन्होंने नेतृत्व किया था 1928 में, उससे इम्प्रेस होकर बारदोली की महिलाओं ने इनको सरदार की उपाधि दी थी। तो सरदार की उपाधि कौन दी थी, बारदोली की महिलाएँ दी थी। फिर जो है इनको आयरन मैन ऑफ इंडिया कहा जाता है। और फिर जो है क्या है आपका, कराची सेशन की अध्यक्षता करते हैं 1931 में। ICS यानी सिविल सर्वेंट को क्या कहते हैं, इन्होंने ये कहते हैं कि वह क्या है आपके, स्टील फ्रेम ऑफ इंडिया है, और इसको बिस्मार्क ऑफ इंडिया कहा जाता है, बिस्मार्क ऑफ इंडिया इनको कहा जाता है। तो ये हमारा वल्लभ भाई पटेल से संबंधित है। और फिर जो है लास्ट में बच जाते हैं हमारे अम्बेडकर, BR अम्बेडकर सर है जो इनके बारे में है। तो इनके बारे में है कि ये जो है आपके इनको चेयरमैन ड्राफ्टिंग कमेटी के चेयरमैन बनाया जाता है। ड्राफ्टिंग कमेटी के चेयरमैन कौन बनते हैं आपके, BR अम्बेडकर हैं। ड्राफ्टिंग कमेटी में कितने मेंबर थे, तो इनको मिला के 7 मेंबर थे, ड्राफ्टिंग कमेटी में 7 मेंबर थे। और ये है क्या थे, चेयरमैन ऑफ ड्राफ्टिंग कमेटी यानी प्रारूप समिति के अध्यक्ष थे आपके BR अंबेडकर। इन्होंने आर्टिकल 32 को हार्ट एंड सोल कहा था, यानी आत्मा कहा था कॉन्स्टिट्यूशन की, किसको कहा था, आर्टिकल 32 को हार्ट एंड सोल कहा था, आर्टिकल 32 को। फिर उन्होंने एक बहिष्कृत हितकरणी सभा की आयोजन किया था, बहिष्कृत हितकरणी सभा जो है 1923 में इन्होंने स्थापना की थी। उसके बाद जो है इन्होंने तीनों राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस जो भी तीनों गोल में सम्मेलन में भाग लिया था, तीनों गोल में सम्मेलन में इन्होंने भाग लिया था। फिर जो है गांधी जी के साथ इन्होंने पूना पैक्ट किया था 1932 में। फिर ओपन करते हैं इंडिपेंडेंट लेबर पार्टी जो है इन्होंने स्थापना करती है, बाद में इसका नाम चेंज करते हैं। देखिए इंडिपेंडेंट लेबर पार्टी का स्थापना 1936 में करते हैं, और फिर बाद में इसका नाम चेंज करते हैं, शेड्यूल कास्ट फेडरेशन रख देते हैं, ऑल इंडिया शेड्यूल कास्ट फेडरेशन इसका बाद में रख देते हैं नाम। पहले कौन क्या था, इंडिपेंडेंट लेबर पार्टी 1936 में, फिर बाद में क्या हो जाता है, शेड्यूल कास्ट फेडरेशन हो जाता है। फिर जो है इन्होंने एक पत्रिका लिखी थी जिसका नाम है मूकनायक, इन्होंने एक पत्रिका लिखी थी जिसका नाम है आपका मूकनायक, क्या है, मूकनायक इसका पत्रिका है। फिर जो है इन्होंने एक जनता पत्रिका है जनता लिखी थी 1930 में, मूकनायक 1920 में लिखी थी, जनता जो है आपका 1930 में लिखा था। फिर इन्होंने एनिहिलेशन ऑफ कास्ट लिखा था, एनिहिलेशन ऑफ कास्ट 1936 में लिखा था। फिर द अनटचेबल लिखा था 1948 में। फिर बुद्धा और काल मार्क्स लिखे थे 1956 में लिखे थे। फिर जो है इन्होंने बॉम्बे से आपका इलेक्शन लड़ा था जिसमें वो हार गए थे, लेकिन जो कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली में जो आपके जो लड़े थे वो कौन से सीट से लड़े थे आपके, वेस्ट बंगाल से लड़े थे, वेस्ट बंगाल से इन्होंने कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली में सीट मिली थी और इलेक्ट हुए थे कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली में, कहाँ से, वेस्ट बंगाल से, पश्चिम बंगाल से इन्होंने जीत दर्ज की थी। तो इनके बारे में इतना ही है। एक बार फिर से हम देख लेते हैं इनके उपलब्धियाँ क्या क्या है BR अम्बेडकर का। तो ये जो है हमारे
क्या है, ड्राफ्टिंग कमेटी के चेयरमैन थे, पहले ड्राफ्टिंग कमेटी के चेयरमैन थे, उसके बाद जो है आर्टिकल 32 को हार्ट एंड सोल कहा था। तीसरा है बहिष्कृत हितकरणी सभा 1923 में स्थापित की थी, फिर जो है तीनों गोलमेज सम्मेलन में भाग लिए थे, फिर पांचवा जो आपका पूना पैक्ट किया था किसके साथ, गांधी जी के साथ किया था, जिसमें जो डिप्रेस क्लास की जो सीट थी 71 से कितना कर दिया था 147 कर दिया था सीट को। फिर उसके बाद उन्होंने इंडिपेंडेंट लेबर पार्टी की स्थापना करते हैं, जिसका बाद में कब स्थापना करते हैं 1936 में करते हैं, बाद में इसका नाम कर देते हैं आपका शेड्यूल कास्ट फेडरेशन, बाद में इसका नाम क्या होता है शेड्यूल कास्ट फेडरेशन। फिर जो है आपका इन्होंने एक पत्रिका लिखती है जिसका नाम है मूक नायक नाम है, फिर उसका जन मूक नायक कब लिखते हैं 1920 में, फिर जो है जनता पत्रिका है 1930 में लिखते हैं, उसके बाद जो है आपका एनिलेशन ऑफ, इसके बाद एनिलेशन ऑफ कास्ट है 1936 में, फिर उसके बाद द अनटचेबल है कहाँ पे 1948 में, फिर जो है बुद्धा और कार्ल मार्क्स के बारे में लिखते हैं वो 1956 में लिखते हैं, बुद्धा और कार्ल मार्क्स। और फिर जो है कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली में इलेक्ट होते हैं कहाँ से, वेस्ट बंगाल से इलेक्ट होते हैं। ये इतना चाहिए आप इसको इनके बारे में याद रखिएगा। ये हमारा क्वेश्चन 5 यहाँ पे कंप्लीट होता है और यहाँ पे क्वेश्चन 6 भी है। नेक्स्ट है क्वेश्चन 6 के बारे में है आपका, तो ऊपर वाले का आंसर जो है आपका बता ही दिया था कि 1923 में स्वराज पार्टी का गठन सी आर दास और मोतीलाल नेहरू के द्वारा किया गया था। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर 6 कह रहा है, प्रसिद्ध नाटक नील दर्पण, यानी प्रसिद्ध नाटक जो है आपका नील दर्पण, जिसमें इंडिगो की खेती करने वाले किसानों को दमन की क्या चित्रण किया गया था, वह किस रचना किसने की थी। तो आपको जो इंडिगो का जो आपका नील दर्पण है, प्रसिद्ध नाटक इंडिगो यानी नील दर्पण, जिसमें इंडिगो की खेती करने वाले किसानों के दमन का चित्रण किया गया है, वह रचना किसने किया है। तो वह रचना जो कि यहाँ पर दीनबंधु मित्र ने किया है, किसने किया है, दीनबंधु मित्र ने किया है। अगर बात करते हैं दीनबंधु मित्र की, तो इन्होंने क्या लिखा है, एक तो लिखा है आपके नील दर्पण लिखे, और कब हुआ था ये, कब लिखे थे आपके 1859-60 के बीच में आपका इंडिगो रिवोल्ट हुआ था, इंडिगो रिवोल्ट यानी इंडिगो विद्रोह हुआ था। इस इंडिगो रिवोल्ट को क्या कहते हैं, ब्लू रिबेलियन चाहे आपका इंडिगो रिवोल्ट कहते हैं, इसको ब्लू रिबेलियन के नाम से भी जाना जाता है। और फिर जो है बाद में क्या था, 1860 में एक इंडिगो कमीशन बैठाया जाता है, जिसमें कितने मेंबर है आपके, 5 मेंबर कमेटी था। इंडिगो कमीशन बैठाता है जो कि एक 5 मेंबर कमेटी था, जिसको चेयरमैन कौन थे, तो चेयरमैन जो था डब्ल्यू एस सेटोनकर थे। तो एक बार फिर से देख लीजिए कि इंडिगो कमीशन जो है 1860 में बैठता है, 5 मेंबर कमेटी, इसकी अध्यक्षता कौन किया था आपका, सेटोनकर ने किया था, सेटोनकर। और एक है आपके दीनबंधु एक है जिसको गांधी जी किसको कहते थे, दीनबंधु सी एफ एंड्रयू को गांधी जी दीनबंधु के नाम से जानते थे, उनको बुलाते थे। तो एक बार देख लीजिए फिर से आपको दीनबंधु मित्र में क्या क्या उपलब्धियां हैं। तो पहले तो इन्होंने इंडिगो क्या लिखे थे आपके, कौन सा, नील दर्पण लिखे थे आपके। इन्होंने पहले तो है नील दर्पण लिखे थे, उसके बाद जो है आपको 1859 में आपको इंडिगो रिवोल्ट हुआ था, जिसके वजह से क्या होता है, इसको ब्लू रिवोल्यूशन भी जानते हैं, ब्लू रेबेलियन भी कहते हैं, इसको क्या कहते हैं, ब्लू रेबेलियन कहते हैं। फिर जो है आपको इंडिगो कमीशन बैठा था 1860 में, और इसके 5 मेंबर कमेटी था, और इसको हेड कौन कर रहा था आपके, डब्ल्यू एन सेटोनकर थे। और एक दीनबंधु है, एक दीनबंधु क्या है, महात्मा गांधी किसको कहते थे दीनबंधु, तो ये कहते थे सी एफ एंड्रयू को कहते थे दीनबंधु। अब यहाँ पे है, अब एक है रविन्द्रनाथ टैगोर, इनके बारे में कुछ जान लेते हैं। तो रविन्द्रनाथ टैगोर जो आपका, इनको नोबेल प्राइज़ दिया गया था 1913 में, किसके लिए, लिटरेचर में दिया गया था, कौन सी पद किसके लिए दिया गया था, गीतांजलि के लिए दिया गया था। रविन्द्रनाथ टैगोर को 1913 में गीतांजलि के लिए इनको लिटरेचर का नोबेल प्राइज़ दिया गया था, पहले भारतीय थे जिनको नोबेल प्राइज़ दिया गया था। इनको 1915 में क्या हुआ, इनको नाइटहुड की उपाधि से सम्मानित किया गया, फिर जो है 1919 में जो जालियांवाला बाग हत्याकांड होता है, उसमें क्या कहते हैं, ये अपना नाइटहुड क्या कहते हैं, रिनाउंस कर देते हैं, त्याग देते हैं। फिर जो इन्होंने विश्व भारती जो है यूनिवर्सिटी की स्थापना करते हैं, विश्व भारती यूनिवर्सिटी कौन स्थापना करता है, रविन्द्रनाथ टैगोर स्थापना करते हैं। और महात्मा गांधी को ये क्या करते थे, इन्होंने महात्मा की उपाधि दी थी, गांधी जी को क्या उपाधि दी थी, महात्मा की उपाधि कौन दिया था, रविन्द्रनाथ टैगोर ने। और महात्मा गांधी ने रविन्द्रनाथ टैगोर को क्या कहा था, गुरुदेव कहा था, महात्मा गांधी ने रविन्द्रनाथ टैगोर को क्या कहा था, गुरुदेव कहा था। याद रखिए रविन्द्रनाथ टैगोर ऐसे हैं जिन्होंने दो देशों की क्या लिखी है, नेशनल एंथम लिखी है, पहले एक तो हमारा देश हो गया भारत, और दूसरा हो गया बांग्लादेश, ठीक है,
ये रविन्द्रनाथ टैगोर से संबंधित है। फिर से देख लीजिए एक बार, नोबेल प्राइज़ इनको मिलता है 1913 में, नोबेल प्राइज़ मिलता है लिटरेचर के लिए, और गांधी गीतांजलि उनके उनका कृति था। फिर जो है इनको नाइटहुड मिलता है 1915 में, जो कि रिनाउंस कर देते हैं, त्याग देते हैं जालियांवाला बाग के समय। उसके बाद जो विश्व भारती यूनिवर्सिटी का स्थापित करते हैं, और महात्मा गांधी को ये क्या कहते हैं, गांधी जी को ये महात्मा कहते हैं, और महात्मा गांधी इनको क्या कहते हैं, गुरुदेव कहते हैं। तो ये चीज़ आपको इनको याद रखना होगा, ठीक है। तो यहाँ पर इसके बारे में आपका कंप्लीट होता है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन एक बार देख लेते हैं, इंग्लिश में भी इसको कंप्लीट कर लेते हैं। पेट्राड्यूरा इज रिलेटेड टू विच ऑफ द फॉलोइंग। तो पेट्राड्यूरा क्या है, एक तरह का डेकोरेटिंग द वॉल विद फ्लोरल डिजाइन मेड ऑफ सेमी पीसेस स्टोन। जो भी सेमी पीसेस स्टोन से जो आपके जो वॉल को डिजाइन करते थे, वही एक तरह का क्या टेक्निक था, आपका पेट्राड्यूरा टेक्निक था। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, विच मुगल रूलर जो है इस्टेब्लिश किया था क्या, कारखाना ऑफ पेंटिंग। कारखाना ऑफ पेंटिंग किसने एस्टेब्लिश किया था, या अकबर ने किया था। ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, अकबर ने किया था। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर थर्ड कर रहा है, द डुअल सिस्टम ऑफ गवर्नेंस। जो आपका जो डुअल सिस्टम आया था गवर्नर का, डुअल गवर्नमेंट बंगाल में किसके द्वारा लाया गया था, तो आपका रॉबर्ट क्लाइव के द्वारा लाया गया था। और किसने खत्म किया था, आपका वारन हास्टिंग ने खत्म किया था। फिर एक क्वेश्चन नंबर फोर कर रहा है, हु अमंग द फॉलोइंग पार्टिसिपेटेड इन द पार्लियामेंट ऑफ रिलीजन हेल्ड इन शिकागो। शिकागो में जो पार्लियामेंट हुआ था रिलीजन का, वो किसने अटेंड किया था, ये थे आपके स्वामी विवेकानंद ने अटेंड किया था 1893 में शिकागो में। और शिकागो कौन सी नदी के किनारे है, आपका मिशिगन नदी के किनारे हैं। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन नंबर फाइव करा है, हु इस्टेब्लिश स्वराज पार्टी 1923 में स्वराज पार्टी की स्थापना किसने करता है, तो आपका सी आर दास और मोतीलाल नेहरू ने करता है। ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन सिक्स करा है, हु राइट द फेमस प्ले दीन नील दर्पण इन द विच ऑपरेशन ऑफ इंडिगो फार्मर इज डिस्प्लेस। जिसमें ऑपरेशन दबे कुचले इंडिगो फार्मर का बताया गया है नील दर्पण में, तो कौन लिखा है, दीन बंधु मित्र लिखे हैं। ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर सेवन, क्वेश्चन सेवन देखेंगे। नेक्स्ट है हमारा 1760 का प्रसिद्ध वंडीवास का युद्ध जो है किस अंग्रेज के द्वारा लड़ा गया था। जो वंडीवास का युद्ध हुआ था किसके द्वारा लड़ा गया था, तो अंग्रेज इंग्लिश और कौन थे, फ्रेंच थे। इंग्लिश और फ्रेंच के बीच में वंडीवास का युद्ध लड़ा गया था, याद रखिए। ऑप्शन नंबर ए इसका फ्रांसीसी हो जाएगा। और यहाँ पे जो है आपका ये कर्नाटिक भी हो सकता था, लेकिन यहाँ पे देखिए इंग्लिश और फ्रेंच के बीच में तीन कर्नाटिक युद्ध हुआ था। कितने कर्नाटिक युद्ध थे, एक हुआ था, दो हुआ था, तीन हुआ था। तो तीसरा कर्नाटिक युद्ध हुआ था ना, उसी में क्या था, बैटल ऑफ वंडीवास हुआ था। बैटल ऑफ वंडीवास जो हुआ था इसी में हुआ था। तो अगर कर्नाटिक भी कह रहा तो ये भी सही है, लेकिन यहाँ पे बीपीएससी ने आंसर माना था आपका फ्रांसीसी का माना था। ऑप्शन में ए माना था फ्रांसीसी, यानी अंग्रेजों द्वारा किसके खिलाफ लड़ा गया था, तो बैटल ऑफ वंडीवास में, तो अंग्रेजों द्वारा लड़ा गया था आपका फ्रांसीसी के साथ। ऑप्शन में ए इसका, कर्नाटिक जगह का नाम कर सकते हैं, जगह का नाम यहाँ पे आपका फ्रांसीसी हो जाएगा। अब यहाँ पे मैं तीनों कर्नाटिक युद्ध बता देता हूँ कि किसमें क्या हुआ था, ताकि आप लोग को आसानी रहेगा समझने में, ताकि जो भी क्वेश्चन यहाँ से बनेगा ना आपसे गलत छूटेगा नहीं। तो चलिए देख लेते हैं क्वेश्चन, अगर यहाँ से बन गया तो आगे क्या बनेगा, तो आपका आगे कोई भी फॉर्म में बन सकता है आपका। तो चलिए देख लेते हैं, पहला जो इंग्लिश और आपका इंग्लिश और फ्रेंच जो है तीन कर्नाटिक युद्ध लड़े थे। पहला हम लोग डिस्कस करते हैं, पहला आपका कर्नाटिक युद्ध, पहला जो कर्नाटिक युद्ध था ये आपका कॉज हुआ था ऑस्ट्रिया वॉर ऑफ सक्सेशन। ये ऑस्ट्रिया वॉर ऑफ सक्सेशन था, यानी जो युद्ध आपका नॉर्थ अमेरिका एंड ऑस्ट्रिया में हो रहा था, वही यहाँ पे ये दोनों मिल गए, यहाँ भी वो लोग लड़ने लगे, उसी का कॉज था कि जो यहाँ पे भी लड़ने लगे थे। उसके बाद जो है ऑस्ट्रिया वॉर ऑफ सक्सेशन होता है, इसके बाद दोनों में लड़ाई होता है, और फ्रेंच जो है यहाँ पे, फ्रेंच किसको हरा देते हैं, इंग्लिश को हरा देते हैं। फ्रेंच जो है इंग्लिश को हरा देते हैं, और इंग्लिश किसको सपोर्ट कर रहा था, अनवर उद्दीन को सपोर्ट कर रहा था। तो फ्रेंच जो है अनवर उद्दीन, यानी इंग्लिश जो है जो कि सपोर्ट कर रहा था अनवर उद्दीन को, फ्रेंच उसको हरा देते हैं। पहला कर्नाटिक वार कौन जीतता है, आपका फ्रेंच जीतता है। और ये कब हुआ था पहला कर्नाटिक वार, ये हुआ था 1740 से 1848 के बीच में हुआ था, 1740 से 1848 के बीच में होता। ऑस्ट्रिया कॉज क्या था, ऑस्ट्रिया वार ऑफ सक्सेशन। और ये जो था आपका, इसमें जो फ्रेंच जो था किसको डिफीट करता है, इंग्लिश को, जो कि इंग्लिश किसको सपोर्ट कर रहा था, अनवर उद्दीन को सपोर्ट कर रहा था, इसको हरा देते हैं। फिर जो इसके एक ट्रीटी होता है, संधि होता है, जिसको संधि कहते हैं एक्सला चैपले का संधि होता है। और पहले कर्नाटिक वाद में, जिसमें क्या होता है कि जो आपका मद्रास है वो मद्रास जो है इंग्लिश को दे दिया जाता है, और जो नॉर्थ अमेरिका में जो जगह है, टेरिटरी है, वो किसको मिल जाता है, फ्रेंच को मिल जाता है। तो ये आपका संधि हुआ था आपका पहला कर्नाटिक वार में, क्या संधि का नाम था, एक्सला चैपले इसका संधि का नाम था, ठीक है। अब है दूसरे में क्या हुआ था, दूसरा जो कर्नाटिक वाद हुआ था, ये भी इंग्लिश और
इंग्लिश और फ्रेंच के बीच में हुआ था। और इस बार जो थे आपका फ्रेंच के साथ कौन कौन से, फ्रेंच जो है ट्रिपल अलायंस बनाया था, किसके साथ, मुजफ्फर जंग के साथ बनाया था, फिर जो है चंदा साहिब के साथ बनाया था। चंदा साहिब, फ्रेंच और आपके मुजफ्फर जंग तीनों मिल के किसको हराए थे, तो इंग्लिश जो कि सपोर्ट कर रहा था किसको, अनवरुद्दीन को, तो ये अनवरुद्दीन को हरा देते हैं और इसको मार देते हैं अनवरुद्दीन को, और फिर से क्या कहते हैं ये जो है फ्रेंच जो है इंग्लिश को डिफीट कर देता है। और दूसरा कर्नाटिक वार जो युद्ध होता है 1749 से 1754 तक होता है, 1754 तक होता है, ठीक है, यहाँ तक होता है दूसरा। और दूसरा कर्नाटिक वार में क्या होता है कि इसमें जो ट्रीटी होता है तो इसको इस ट्रीटी को कहते हैं ट्रीटी ऑफ पांडिचेरी। दूसरे युद्ध में क्या होता है, ट्रीटी ऑफ पांडिचेरी होता है 1754 में। 1754 में कौन सा युद्ध होता है आपका, ट्रीटी ऑफ पांडिचेरी होता है, जिसमें क्या बताया जाता है कि दोनों ही जो है इंग्लिश और फ्रेंच एक दूसरे में क्या करेंगे, वो इंटरफेयर नहीं करेंगे, ये होता है आपका। तो ये हो गया आपका सेकेंड कर्नाटिक वार। और तीसरा जो कर्नाटिक युद्ध होता है, और जो तीसरा कर्नाटिक युद्ध होता है इसमें जो होता है आपका, जो इसमें होता है इंग्लिश और फ्रेंच इसमें जो है इंग्लिश फ्रेंच को हरा देते हैं। और ये कब होता है, 1757 से 63 के बीच में होता है। और इसी को हम क्या कहते हैं, 1757 से 63 में जो होता है तो ये जो होता है हमारा क्या होता है, सेवन ईयर वार कहते हैं। सेवन ईयर वार किसके किसके बीच में, इंग्लिश और फ्रेंच के बीच में होता है। और यही जो होता है 1900 आपका किसके किसके इंग्लिश और फ्रेंच के बीच में होता होता है। और फिर जो है आपका इसमें 1760 में बैटल ऑफ वांदीवास होता है। इसी में क्या होता है, बैटल ऑफ वांदीवास होता है, जिसमें इंग्लिश जो है फ्रेंच को पूरी तरह से कम्प्लीटली धो देते हैं। और धो देते हैं उसके बाद क्या होता है, इंग्लिश को कौन सपोर्ट कर रहा था, ये क्वेश्चन पूछता है कि इंग्लिश किसके द्वारा सपोर्टेड था, तो इंग्लिश जो सपोर्ट था आयरकूट के द्वारा था। इंग्लिश को सपोर्ट, इंग्लिश को लीड कौन कर रहा था, आयरकूट लीड कर रहा था। और फ्रेंच को लीड कौन कर रहा था, तो ये थे कॉम्टे डी लैली जो है आपका फ्रेंच को सपोर्ट कर रहे थे, यानी फ्रेंच की तरफ से लीड कर रहे थे। और इंग्लिश जो इधर है आपके ये लीड कर रहा था, आयरकूट लीड कर रहा था। तो इसमें जो है आपका जो आपका संधि होता है इसमें ट्रीटी ऑफ पेरिस होता है, इसमें ट्रीटी ऑफ पेरिस होता है जो कि 1763 में होता है। और इसके अनुसार जो है आपको जो भी फ्रेंच का जो टेरिटरी इन्होंने इंग्लिश ने कब्जा कर लिया था उसको वो रीस्टोर करता है, दे देता है। और उसके बाद बताता है कि कभी जो है इंग्लिश और फ्रेंच आपस में इंटरफेयर नहीं करता है वो लोग आपस में। तो ये हमारा तीन जो है आपका युद्ध होता है कंप्लीट। पहला जो था ट्रीटी ऑफ एक्सले चैपले से खत्म होता है, दूसरा जो युद्ध खत्म होता है आपका ट्रीटी ऑफ पांडिचेरी से खत्म होता है, और तीसरा जो युद्ध खत्म होता है ट्रीटी ऑफ कौन सा है, ट्रीटी, तो ये आपका ट्रीटी ऑफ पेरिस, पेरिस की संधि थी, यानी पेरिस की संधि से खत्म होता है। तो ये आपका तीन चीज़ आपका यहाँ पे कंप्लीट होता है। तो अब यहाँ पे आपको फ्रांसी क्या, यहाँ पे आंसर क्या जाएगा, फ्रांसीसी हो जाएगा। और यहाँ पे एक और है आपका मैसूर, ये भी आपके लिए जानना बहुत ही जरूरी है क्योंकि इसमें भी से भी क्वेश्चन आ सकते हैं। तो इसके लिए मैं बताता हूँ, इस मैसूर के साथ जो है इंग्लिश लोग जो इंग्लिश जो है मैसूर के साथ चार युद्ध लड़ा था, यानी फर्स्ट मैसूर वार जो था, सेकंड मैसूर वार, तीसरा मैसूर वार, चौथा मैसूर वार था। तो इसमें से जो जो इंपॉर्टेंट मैं बता देता हूँ कि आपको बाद में कोई दिक्कत नहीं हो। और तो पहला मैसूर वार, फर्स्ट मैसूर वार जो हुआ था आपका 1767 से लेकर 1767 से 1769 के बीच में हुआ था, 1767 से 1769 के बीच में होता है, किसके बीच में होता है, इंग्लिश और हैदर अली के बीच में होता है, हैदर अली के बीच में होता है, जिसमें क्या होता है आपका हैदर अली जो है इंग्लिश को डिफीट कर देते हैं, हरा देते हैं। हैदर अली किसको हरा देते हैं, डिफीट कर देते हैं आपका इंग्लिश को हरा देते हैं, अंग्रेज़ों को हरा देते हैं। और इसमें क्या होता है, जो भी एक दूसरे के जो प्रिजनर को जो कैदी बना लिए थे तो उसको वो रिलीज कर देते हैं। और ये जो ट्रीटी था, कौन सा ट्रीटी था, इस ट्रीटी को कहते हैं ट्रीटी ऑफ मद्रास, यानी ट्रीटी ऑफ मद्रास से जितने भी प्रिजनर बनाए हुए थे दोनों लोग एक दूसरे के प्रिजनर को छोड़ देते हैं, दे देते हैं, वापस दे देते हैं। तो ये कौन सा पहला, तो पहला आपका पहला मशहूर वार किससे ख़त्म होता है, ट्रीटी ऑफ मद्रास से ख़त्म होता है। फिर उसके बाद जो है फिर जो है सेकंड मैसूर वार होता है, फिर दूसरा मैसूर वार होता है 1780 से लेकर 1784 के तक, 1780 से 1784 में दूसरा मैसूर युद्ध होता है। और इसमें जो है वारन हास्टिंग डिफीट करते हैं किसको, हैदर अली को ना सिर्फ डिफीट करते हैं, हैदर अली को यहाँ पे मार देते हैं, यानी हैदर अली को किल्ड करते थे, मार देते हैं। और वारन हास्टिंग लीड कर रहा है और इसमें इंग्लिश जो है हैदर अली को हरा देता है और इसको मार देता है। और यहाँ पे जो संधि होती है यहाँ पे मैंगलोर की संधि होती है, किसकी संधि होती है, मैंगलोर की संधि होती है, जिसमें टेरिटरी जो है आपस उनको वापस मिल जाता है। तो मैंगलोर की संधि दूसरे से ख़त्म होता है। फिर तीसरा जो है आपका थर्ड मैसूर वार जो है कॉर्नवालिस के टाइम में होता है। और ये जो आपका रीजन है 1790 से लेकर 1792 के बीच में होता है, कॉर्नवालिस के टाइम में होता है। और कॉर्नवालिस में यहाँ पे ट्रिपल अलायंस बनाता है, यहाँ पे कौन किसके किसके बीच, इंग्लिश जो है किसके साथ लड़ता है, टीपू सुल्तान के साथ, यहाँ पे इंग्लिश जो है टीपू सुल्तान के साथ लड़ता है। और टीपू सुल्तान के अगेंस्ट में आपका कॉर्नवालिस जो है क्या बनाता है, ट्रिपल अलायंस बनता है, किसके साथ, इंग्लिश,
निजाम और मराठा, ये तीन मिलके किसको हराते हैं, आपके टीपू सुल्तान को हरा देते हैं। ये तीनों अलायंस बनके टीपू सुल्तान को हरा देते हैं, याद रखिएगा किसको हरा दिया, टीपू सुल्तान को हरा दिया। और कौन सी संधि लेते हैं, तो संधि लेते हैं आपका ट्रीटी ऑफ श्रीरंगपट्टनम, श्रीरंगपट्टनम की यहाँ पे संधि होती है। इसके तहत क्या होता है, जो डिंडीगुल और जो मालवा का इलाका है, मालवा, तो ये दोनों किसको मिल जाता है, इंग्लिश को मिल जाता है, अंग्रेज को मिल जाता है। साथ में टीपू सुल्तान को 3 करोड़ का पेनाल्टी देता है, 3 करोड़ का पेनाल्टी लगाया था अगर वो, और जिसको देने के लिए उसके दो बच्चे को क्या कहता है, वो लोग अपने साथ ले जाता है कि अगर नहीं देगा तो इसके दो बच्चे को मार देंगे। तो ये था आपका ट्रीटी ऑफ श्रीरंगपट्टनम था। और लास्ट में जो होता है 1799 में चौथा मैसूर युद्ध होता है, और चौथा मैसूर युद्ध 1799 में होता है, जिसमें इंग्लिश जो है किसको हरा देते हैं, इसको टीपू सुल्तान को हरा देते हैं और इसको मार देते हैं टीपू सुल्तान को। और ये जो किसके टाइम होता है, विलिजली के टाइम में होता है, विलिजली के टाइम में होता है। ये चीज़ हमारा आपका चार मैसूर युद्ध, 3 कर्नाटिक युद्ध मैंने बता दिया, और बैटल ऑफ बंदीवास के साथ भी ख़त्म कर दिया। तो ये चीज़ आपको बहुत इंपॉर्टेंट है, और ये आप बहुत अच्छे से आप इसको नोट्स बना सकते हैं, चाहे भी आप देख सकते हैं, बार बार देखिएगा आप ऑटोमेटिकली इसको याद हो जाएगा। फिर हम आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन है, यहाँ पे आपको क्या हो जाएगा, आपका जो 1760 का जो बंदीवास का युद्ध लड़ा गया था, तो ये किसके बीच में, फ्रांसीसियों के बीच में लड़ा गया था, फ्रांसीसी और अंग्रेजों के बीच में लड़ा गया था। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन है 8 कह रहा है, निम्नलिखित में से किस अधिनियम ने भारत में पृथक निर्वाचक मंडल का आरंभ किया था, यानी कह रहा है पृथक निर्वाचक मंडल जो है आरंभ किसके टाइम में हुआ था, ये आपका भारतीय परिषद अधिनियम जो 1909 का था उसके वजह से क्या हुआ था, आपका क्या हुआ था, पृथक निर्वाचक मंडल का आरंभ हो गया था। देखिए इस बार जो है क्वेश्चन 1909 से पूछ लिया है, तो अगला जो क्वेश्चन आएगा ना आपका, जाहिर से मानिए कि 1919 से आएगा या फिर 1935 के अधिनियम से आएगा, मान लिख के रख लीजिए। 1919 का अधिनियम में क्या होगा कि यहाँ पे आपका डायरार्की आता है, यहाँ पे इंट्रोड्यूस होता है डायरार्की, द्वैत शासन किसके द्वारा आता है, और यहाँ पे आएगा प्रांतों में प्रांतों की स्वायत्तता, ये वाला क्वेश्चन यहाँ से बन सकता है। तो 1935 में तो ये चीज़ें आगे आए मिलेगा क्वेश्चन, तो हम जरूर बताएंगे। बाकी यहाँ पे जो आपकी जो ये 1909 का अब तो रेलेवेंट नहीं रहा, क्योंकि 1909 में यही एक इंपॉर्टेंट चीज़ हुआ था जो कि पृथक निर्वाचन मंडल का आरंभ किया था 1909 में, यही इससे क्वेश्चन बन सकता है। अब जो यहाँ पे जो आपका दिया हुआ है आपका रेगुलेटिंग एक्ट 1773 यहाँ से देख लेंगे, फिर इसका 83 का देख लेंगे, 1833 का देखेंगे, फिर इसका पिट्स इंडिया एक्ट का देख लेंगे, ये तीनों का देख लेंगे। उसके बाद आपको क्या करना है, आपको 1919 का देख लेना है, आपको 1935 का देख लेना है, 1858 का देख लेना है, ये तीन का आपको इंपॉर्टेंटली देख लेना है। अगर नहीं होगा तो मैं फिर से अगले सेट में अगर बताइएगा, कमेंट कीजिएगा, तो मैं इन तीनों को भी मैं आपको बता दूंगा। पहले आप रेगुलेटिंग एक्ट 1773 का देखिए इसमें क्या क्या होता है और लिख लीजिएगा। इसमें पहला होता है आपका सुप्रीम कोर्ट की स्थापना होती है, इसमें याद रखिए सुप्रीम कोर्ट की स्थापना होती है, कहाँ पर होता है, कलकत्ता में होता है। इसमें है एक चीफ जस्टिस बनते हैं, एक चीफ जस्टिस और 3 जो है जज बनाए जाते हैं, 3 जज पे एक चीफ जस्टिस बनता है आपका। पहला आपका 1773 का सुप्रीम कोर्ट रेगुलेटिंग एक्ट में सुप्रीम कोर्ट की स्थापना होती है कलकत्ता में, जिसमें एक चीफ जस्टिस रहते हैं और 3 जज रहते हैं। फिर जो है दूसरा पॉइंट कर रहा है कि इसमें जो है जो गवर्नर ऑफ बंगाल है, गवर्नर ऑफ बंगाल को गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल बना दिया जाता है, गवर्नर ऑफ बंगाल को गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल बना देता है, किससे, रेगुलेटिंग एक्ट 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट से बना देता है, यानी गवर्नर ऑफ बंगाल, बंगाल का जो गवर्नर है उसको गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल बना देता है 1773 के एक्ट से। फिर तीसरा पॉइंट है जो कंपनी के मेंबर है उसको निजी व्यापार करने पे रोक लगा देता है, निजी व्यापार करने पर रोक लगाता है और आपका रिश्वत पे रोक लगा देता है, उसके रिश्वत लेने पर रोक लगा देता है। फिर चौथा है जो गवर्नर है बॉम्बे का और मद्रास का उसको किसके अंडर में ले आता है, उसके अंडर कंट्रोल ले आता है आपका, आपके कोलकाता के गवर्नर जनरल के अंडर कंट्रोल ले आता है, यानी बॉम्बे और मद्रास का जो आपका गवर्नर था वो किसके अंडर में आ गया, वो कलकत्ता के गवर्नर जनरल के अंडर में आ गया। ये 3 चार चीज हुए थे किसके टाइम में, ये 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट में ये प्रावधान किया गया था। फिर आता है हमारा 1784 का पिट्स इंडिया एक्ट, इसमें देख लीजिए पिट्स इंडिया एक्ट में, तो इसमें जो है इसमें ज़्यादा कुछ होता नहीं है, इसको हम एक्ट ऑफ सेटलमेंट कहते हैं, इसको हम क्या कहते हैं, एक्ट ऑफ सेटलमेंट कहते हैं। और इसमें 2 चीज़ें हुई थी, तो पहला है आपका कोर्ट ऑफ डायरेक्टर, इसमें कोर्ट ऑफ डायरेक्टर, और दूसरा है आपका बोर्ड ऑफ कंट्रोल, बोर्ड ऑफ कंट्रोल और कोर्ट ऑफ डायरेक्टर का डायरेक्टर बनाया जाता है। बोर्ड ऑफ कोर्ट ऑफ डायरेक्टर जो है आपका ट्रेड से, यानी ट्रेड व्यापार से संबंधित था, और ये जो आपका राजनीति से संबंधित था, बोर्ड ऑफ कंट्रोल जो है राजनीति से संबंधित था। तो ये दोनों आपस में ये चीज़ देखेंगे। और यहाँ पे ये कौन सा सिस्टम आ गया, तो ये दूसरा आ गया, ये डुअल गवर्नमेंट आ गया, ये यानी पिट्स इंडिया क्या ले आया, डुअल गवर्नमेंट ले आया, 2 तरह से शासन हो रहा है। तो पहला है आपका क्या है, कोर्ट ऑफ डायरेक्टर बन गया किसके लिए, ट्रेड के लिए, और बोर्ड ऑफ कंट्रोल बन गया आपका पॉलिटिकल के लिए।
पॉलिटिक्स के लिए। और यहाँ पे कौन सा सिस्टम आ गया, डुअल गवर्नमेंट का सिस्टम आ गया। तो ये हुआ था आपका पिट्स इंडिया एक्ट 1784 में। फिर जो है आपका एक आता है, एक बताया था बीच में, एक 1786 का एक्ट आता है। 1786 के एक्ट में क्या होता है ना कि कॉर्नवलिस को, जो कॉर्नवलिस है उसको अपने जो भी कौंसिल अपना जो फैसला सुनाएगा, कौंसिल के फैसले को रद्द करने का इसको पावर मिल गया था एक्ट ऑफ 1786 के। यानी जो एक्ट ऑफ 1786 का जो एक्ट आया था उसके थ्रू जो कौंसिल जो भी फैसला लेगा उसको कॉर्नवलिस क्या करेगा, रद्द कर देगा इस एक्ट के तहत। बस एक ही प्रावधान आया था। और फिर जो है 1813 का भी देख लीजिए, 1813 का प्रावधान ये भी देख लीजिए, बताता हूँ कि इसमें क्या होता है। पहला है एक लाख मिला था एजुकेशन के लिए, इसमें 1,00,000 दिया गया था किसके लिए, एजुकेशन के लिए दिया गया था 1,00,000। फिर जो है जो कंपनी का जो मोनोपोली है, मोनोपोली ख़त्म हो जाता है एक्सेप्ट चाइना से। चाइना के साथ जो इसका चाय का व्यापार होता था, टी का व्यापार होता था चाइना के साथ, उसको छोड़ के जो कंपनी का मोनोपोली था ईस्ट में ट्रेड करने का, वो ख़त्म हो जाता है इसमें। और तीसरे में क्या कहता है, तीसरे में है क्रिश्चियन मिशनरी को एंट्री मिलता है भारत में। क्रिश्चियन मिशनरी को अलाउ किया जाता है कि भारत में आके अपना धर्म प्रचार करें। ये तीन चीज़ होता है। कौन कौन सा, पहला है एक लाख एजुकेशन दिया जाता है, 1,00,000 रुपया दिया जाता है एजुकेशन के लिए। दूसरा है मोनोपोली जो होता है, एकाधिकार होता है ट्रेड का, वो ख़त्म हो जाता है एक्सेप्ट विद चाइना को छोड़कर, बाकी सब चाइना के साथ किसका चलता है, टी का चलता है, उसको छोड़कर चाइना के साथ छोड़कर बाकी सारा जो इधर व्यापार होता है उसका मोनोपोली ख़त्म हो जाता है। और तीसरा जो है क्रिश्चियनिटी एंटर किया जाता है, क्रिश्चियनिटी अलाउ किया जाता है इस एक्ट से। फिर एक लास्ट में आता है 1833 का अधिनियम है, एक 1833 का अधिनियम। इसमें जो है आपका क्या होता है, जो गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल था उसको गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया बना देता है। तो गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल को गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया बना देता है। और पहला गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया कौन होता है, तो विलियम बेंटिक हो जाता है। पहला गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया क्या होता है, बेंटिक हो जाता है। और दूसरा इसमें जो मोनोपोली ऑफ ट्रेड था, जो कंपनी का जो मोनोपोली था पूरी तरह से ख़त्म हो जाता है। पहले तो 1813 में क्या था, चाइना के साथ बना हुआ था, वो चाइना के साथ भी 1833 में ख़त्म हो जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे कंपनी का जो मोनोपोली है यानी एकाधिकार है वो पूरी तरह से समाप्त हो जाता है। और तीसरा है एक लॉ कमीशन का, आपका जो गवर्नर जनरल के काउंसिल में एक लॉ कमीशनर की अपॉइंटमेंट होता है। और पहला लॉ कमीशनर कौन बनता है, लॉर्ड मैकाले बनता है। तो ये चीज़ आपका 1833 के अधिनियम से बनता है। और इतना काफ़ी है, बाकी आप लोग को अपने से देख लीजिएगा 1919 का देख लीजिएगा, 1935 का देख लीजिएगा और 1858 का देख लीजिएगा। ये तीन बहुत ही इंपॉर्टेंट है और ये सब मैंने कवर किया हुआ है पिछले टेस्ट सीरीज में, आप जाइएगा तो वहाँ पे मैंने ये सारे चीज़ों को, इन तीनों को आपका कवर किया हुआ है। बाकी आप चाहोगे तो अगर कमेंट करोगे तो मैं इन तीनों को भी एक्सप्लेन कर दूंगा। फिर है नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर है आपका यहाँ पे 1831 में, इसका आंसर क्या था मेरा, निम्नलिखित में से किस अधिनियम ने भारत में पृथक निर्वाचक मंडल का आरंभ किया था। तो पृथक निर्वाचक मंडल आया था भारत परिषद अधिनियम 1909 से आया था। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 9 कह रहा है 1831 में बुद्धू भगत के नेतृत्व में कोल विद्रोह किस क्षेत्र में हुआ था। तो कोल विद्रोह कहाँ पर हुआ था, या आपका हुआ था सिंहभूम में हुआ था। ऑप्शन क्या हो जाएगा, सिंहभूम आ जाएगा, ऑप्शन नंबर 20 का करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो कोल विद्रोह कहाँ पे हुआ था, आपका सिंहभूम में हुआ था, झारखंड राज्य में हुआ था। और इसके नेतृत्व कौन किया था, आपका बुद्धू भगत किया था। यहाँ पे लिखा हुआ 1831 में बुद्धू भगत ने नेतृत्व किया था किसका, कोल विद्रोह का, किस क्षेत्र में, तो आपका सिंहभूम में किया था। इसके अलावा जो है आपका पश्चिमी घाट में हुआ था, कच्छ में, जो भी आपका घटनाएँ होती है वो मैं आपको पूरा बताता हूँ। 10 से 12 आपके घटनाएँ हैं जो कि आपको लिख लेना चाहिए, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है। चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला है आपका, इसमें आता है, एक आता है कोल तो बता ही दिया आपका 1831 में होता है, बुद्धू भगत और सिंघू में होता है। दूसरा आता है सन्यासी रिवोल्ट, सन्यासी विद्रोह हुआ था। सन्यासी विद्रोह कब हुआ था, 1763 से लेकर 1800 के बीच में होता है। सन्यासी विद्रोह 1763 से लेकर 1800 के बीच में होता है। और इसको लीड कौन किया था, लीड किया था आपका केन्ना सरकार इसको लीड किए थे। और कहाँ पर हुआ था, आपका बंगाल में हुआ था। याद रखिएगा, सन्यासी विद्रोह का जिक्र जो है आपका आनंद मठ में किया गया है, और किसके द्वारा लिखा गया है, आपका बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय के द्वारा लिखा गया है। ठीक है, फिर जो है नेक्स्ट ट्राइबल रिवोल्ट आता है आपका रामोसी विद्रोह जो आपका कहाँ पे होता है, 1822 से 29 के बीच में होता है, 1822 से 1829 के बीच होता है। इसके लीड कौन करता है, तो लीड करते हैं चित्तूर सिंह जो है इसको लीड करता है। और कहाँ पे लीड करते हैं, वेस्टर्न घाट में लीड करते हैं, यानी पश्चिमी घाट में लीड करते हैं। और मेनली कौन सा एरिया है, महाराष्ट्र का एरिया है, रामोसी विद्रोह महाराष्ट्र है।
फिर आपका आता है, एक आता है संबलपुर का विद्रोह। संबलपुर का विद्रोह आता है किसके, 1827 से 1840 के बीच में आता है, और कौन लीड करता है, सुरेंद्र साई लीड करते हैं। सुरेंद्र साई लीड करते हैं, कहाँ पे लीड करते हैं, ये आपका उड़ीसा में लीड करते हैं, लिखते जाइएगा, इंपॉर्टेंट है। फिर आता है आपका गडकरी रिवोल्यन। गडकरी रिवोल्यन जो होता है आपका कब आता है, 1844-45 के बीच में आता है, और कहाँ पे आता है, कोल्हापुर में आता है। गडकरी रिवोल्ट कहाँ पे आता है, कोल्हापुर में आता है। फिर आपका आता है फराजी मूवमेंट। फराजी मूवमेंट जो आपका FARAIZI फराजी मूवमेंट जो आता है 1838 से लेकर आपका 1862 के बीच में चलता है, और ये जो हमारा कौन लाता है, हाजी सरयतुल्ला लाते हैं। हाजी सरयतुल्ला लाते हैं, कहाँ पे लाते हैं, बंगाल में लाते हैं। फिर एक आता है आपका वहाबी मूवमेंट। वहाबी मूवमेंट आपका आता है 1820 से लेकर 1870 के बीच में आता है, और इसमें जो है लीड कौन करता है, तो सैयद अहमद जो है लीड करते हैं, और कहाँ पे लीड करते हैं, तो आपका नॉर्थ इंडिया में लीड करते हैं, नॉर्थ इंडिया हो जाएगा। फिर उसके वहाबी के बाद क्या आता है, वहाबी क्या आता है, पागलपंथी विद्रोह आता है। पागलपंथी विद्रोह आता है कब होता है, तो 1825 से लेकर 1833 तक होता है, 1825 से 1833 तक होता है। किसके अंडर होता है, लीड कौन करता है, तो कराम शाह लीड करते हैं। कौन लीड करता है, कराम शाह। कहाँ पे लीड करते हैं, बंगाल में। पागलपंथी रिवो कराम शाह बंगाल में होता है, ठीक है। फिर आता है, एक आता है कुका मूवमेंट। कुका मूवमेंट जो आता है KUK, कुका मूवमेंट कहाँ पे आता है, 1854 से 1872 के बीच में होता है। कहाँ पे आता है, पंजाब में आता है। कुका मूवमेंट पंजाब में आता है, और किसके अंडर आता है, तो लीड कौन करता है, तो जवाहर माल जो है ये इसको लीड करते हैं। तो याद रखिए कुका मूवमेंट कहाँ पे है, पंजाब में। कुका मूवमेंट पंजाब। फिर एक आता है आपका इंडिगो रिवोल्ट, नील विद्रोह। इंडिगो रिवोल्ट जो आपका कहाँ पे, इंडिगो विद्रोह, तो 1859-60 अभी हम लोग देखे थे, इसको किसने लीड किया था, दिगंबर विश्वास और विष्णु विश्वास ने किया था। दिगंबर विश्वास और विष्णु विश्वास ने किया था लीड, दिगंबर विश्वास और विष्णु विश्वास ने किया था। कहाँ पे लीड किया था, बंगाल में किया था, ठीक है। अब नेक्स्ट आता है पवना मूवमेंट, पवना विद्रोह। पवना विद्रोह जो हुआ था, पवना विद्रोह कहाँ पे होता है, 1873 में होता है। 1873 में कहाँ पे होता है, बंगाल में होता है। पवना विद्रोह 1873 में होता है, कहाँ पे, बंगाल में होता है। नेक्स्ट आता है एक इंपॉर्टेंट है, डेक्कन विद्रोह। डेक्कन रायट जो होता है, डेक्कन विद्रोह होता है कहाँ पे, 1875 में होता है, और कहाँ पे होता है, पूना में होता है। फिर उसके बाद आता है एका मूवमेंट, एका विद्रोह। एका विद्रोह होता है, या देखिए एका विद्रोह कहाँ पे होता है, यह होता है आपका यूपी में होता है, अवध में होता है। एका विद्रोह जो होता है यूपी में होता है, और ये जो आपका 1921-22 में होता है, एका विद्रोह होता है 1921-22 में होता है। कौन लीड करता है इसको, मदारी पासी लीड करते हैं। कहाँ पे, अवध यूपी में करते हैं। या देखिएगा यहाँ पे एका विद्रोह कहाँ पे, अवध में है, और कुका विद्रोह कहाँ पे, पंजाब में। कुका पंजाब, एका अवध, ठीक है, याद हो गया। नेक्स्ट है आपका मोपला रिवोल्ट। मोपला रिवोल्ट जो होता है कहाँ पे होता है, 1921 में होता है। कहाँ पे होता है, मालाबार में होता है। मालाबार कहाँ पे, केरला में है। और कौन लीड कर रहा है आपका, अली मुसलियार लीड करते हैं। कौन लीड करता है, अली मुसलियार करते हैं मोपला रिवोल्ट को। फिर उसके बाद होता है तेभागा मूवमेंट, तेभागा आंदोलन होता है। तो तेभागा आंदोलन है आपका 1938 से 1947 के बीच में होता है, और कहाँ पे होता है, बिहार में होता है। और इसके जो है कौन कौन लीड करता है, तो एक है कार्यानंद शर्मा और यदुनंदन शर्मा। कार्यानंद शर्मा और यदुनंदन शर्मा इसको लीड करते हैं, किसको, सॉरी तेभागा मूवमेंट को, बंगाल में होता है। इसको लीड कोई नहीं करता है, इसका लीड पता नहीं कौन करता है। आप तेभागा मूवमेंट का बताइएगा, लीड कौन करता है, इसका नहीं मेरे पास पता है। तेभागा मूवमेंट को लीड नहीं करता है कार्यानंद शर्मा, और जो यदुनंदन शर्मा जो है बक्स स्ट्रगल, बक्स जमीन की वापसी है, उसमें काम करते हैं, ठीक है, यहाँ पे। फिर आते हैं आपका चुआर रिवोल्ट, चुआर विद्रोह। तो चुआर विद्रोह कहाँ पे होता है, बंगाल में होता है। किसके लीड कौन करता है, जगन्नाथ लीड करते हैं। फिर उसका संताल विद्रोह आता है, संताल विद्रोह 1855-56 में आता है, और सिद्धू और कानू के नेतृत्व में होता है। कहाँ पे, छोटा नागपुर और राजमहल एरिया में होता है। फिर उसका मुंडा रिवोल्ट आता है, मुंडा रिवोल्ट 1899 में बिरसा मुंडा के अंडर आता है, छोटा नागपुर यानी रांची इलाके में, रांची के पास आता है। तो यहाँ पे क्या होता है, इसको 1831 में बुद्धू भगत के नेतृत्व में कौन आता है आपका, सिंहभूम में आते हैं। ऑप्शन बी इसका करेक्ट हो जाएगा। ये चाह आपका टोटल कितने हो गए, आपके 10 से 12 हो जाएंगे। इसको बहुत ही इंपॉर्टेंट है, देख लीजिएगा, आपका अच्छा हो जाएगा। नेक्स्ट देखेंगे 10 नंबर का। 10 नंबर है बिहार में 1857 के विद्रोह का नेतृत्व किसने किया था। तो बिहार में 1857 का विद्रोह आपको पता ही होगा कौन किया था, कुंवर सिंह ने किया था। बिहार में 1857 का विद्रोह किसने किया था आपका, कुंवर सिंह ने किया था, याद रखिएगा, कुंवर सिंह ने किया था। अब यहाँ से जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है, बिहार से कौन किया, कुंवर सिंह ने किया। किसने दबाया, विलियम टेलर ने दबाया, याद रखिएगा, विलियम टेलर ने इसको विद्रोह का दमन किया था। किसने दमन किया था, विलियम टेलर ने किया था। फिर से देख लीजिए, अब यहाँ से स्टार्ट हो जाइए लिखने के लिए। तो पहला है बिहार, बिहार से कौन था, कुंवर सिंह। बिहार से थे कुंवर सिंह। किसने दबाया, विलियम टेलर ने
टेलर ने इसका दमन किया था। फिर दिल्ली, दिल्ली से कौन था, दिल्ली से थे बख्त खान, बख्त खान थे, और इसको इसको दमन किसने किया था, निकोलसन और हडसन ने किया था, निकोलसन और हडसन ने दिल्ली के दिल्ली में दमन किया था विद्रोह को। फिर लखनऊ में, लखनऊ में कौन थे, बेगम हजरत महल थी, बेगम हजरत महल थी, और इसने इसको इसमें दमन किसने किया था, हेनरी लॉरेंस ने किया था, किसने किया, हेनरी लॉरेंस ने किया था लखनऊ में। फिर आता है कानपुर, कानपुर में कौन था, कानपुर में नाना साहब थे, और इनको जो दमन कौन करता है, तो ये करते हैं कैंपबेल, कैंपबेल जो है इसका दमन करते हैं। फिर आते हैं हम लोग झांसी, झांसी में कौन थी, रानी लक्ष्मीबाई थी, रानी लक्ष्मीबाई थी, और इनका दमन कौन करता है, ह्यू रोज करता है, ह्यू रोज करता है। फिर आते हैं हम ग्वालियर, ग्वालियर में कौन था, तांत्या टोपे, तांत्या टोपे थे, इसका दमन कौन करता है, ह्यू रोज करते हैं, इसका भी दमन कौन करता है, ह्यू रोज करते हैं। फिर आते हैं बरेली में, बरेली में कौन था, खान बहादुर, बरेली में कौन था, खान बहादुर, और इनको दमन कौन करता है, तो कैंपबेल करता है, कैंपबेल। फिर आते हैं हम लोग कहाँ पे, फिर आते हैं हम लोग आपके बरेली के हो गया आपका इलाहाबाद में, इलाहाबाद और बनारस, इलाहाबाद और बनारस में जो है आपका कौन थे, लियाकत अली थे, लियाकत, इसका दमन कौन करता है, ओनकेल, ओ एन सी ई डबल एल, ओनकेल थे। और फैजाबाद में कौन थे, फैजाबाद में थे मौलवी अहमदुल्ला थे, फैजाबाद से, फैजाबाद से कौन थे, मौलवी अहमदुल्ला थे। फिर से एक बार देख लीजिए कौन थे, बिहार से कौन था, कुंवर सिंह थे, और किसने किसने दमन किया था, विलियम टेलर ने किया था। दिल्ली से कौन थे, बख्त खान थे, किसने दमन किया, निकोलसन और हडसन ने किया था। फिर है लखनऊ से कौन थे, लखनऊ से बेगम हजरत महल थे, दमन किसने किया था, हेनरी लॉरेंस ने किया था। फिर है कानपुर से, कानपुर में कौन थे, तो कानपुर में थे आपके नाना साहब थे, दमन किसने किया था, आपके कैंपबेल ने किया था। झांसी में कौन था, आपके रानी लक्ष्मीबाई थी, और इसका दमन किया था आपका ह्यू रोज ने। फिर जो है आपके क्या कहते हैं, ग्वालियर, ग्वालियर में कौन था, आपके तांत्या टोपे थे, इसका दमन किसे किया था, ह्यू रोज ने किया था। उसके बाद है नेक्स्ट बरेली, बरेली में कौन थे, खान बहादुर थे, और इनका दमन कैंपबेल ने किया था। फिर है इलाहाबाद और बनारस से कौन थे, ये थे लियाकत अली थे, और इनका दमन कौन किया था, ओनकेल ने किया था, ओ एन सी ई डबल एल, ओ एन सी ई डबल एल थे, ओनकेल ने किया था। फिर जब फैजाबाद से कौन थे, आपके मौलवी अहमदुल्ला, मौलवी अहमदुल्ला थे फैजाबाद से। तो ये हमारे इंपॉर्टेंट कुछ है जो कि आप देख लीजिएगा, जो कि आगे पूछ सकता है, और कुछ कुछ तो पीछे पूछे हुए हैं, मैंने बताया कि पिछले 25 साल में जो भी क्वेश्चन पूछे हुए हैं वो जो आगे आ सकते हैं उन्हीं के बारे में मैं यहाँ पे लिखा हूँ, बाकी आप देख लीजिएगा। और यहाँ पे इनका आंसर क्या हो जाएगा, यहाँ पे 18 साल बिहार से थे, कुंवर से थे। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 11, क्वेश्चन 11 कह रहा है, चंपारण में इंडिगो के किसानों की दशा की ओर गांधी जी का ध्यान किसने आकर्षित किया था। तो ये जो ध्यान आकर्षित हुआ था किसने किया था, आपका राजकुमार शुक्ल ने किया था, किसने किया था, राजकुमार शुक्ल ने किया था। ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, चंपारण। अब बात करते हैं चंपारण की, बात करते हैं चंपारण सत्याग्रह, चंपारण सत्याग्रह में क्या हुआ था, इसमें जो है आपका किसने बुलाया था, पहले तो बता दें राजकुमार शुक्ल ने रिक्वेस्ट किया था गांधी जी को, ध्यान आकर्षित किया था। फिर जो है गांधी जी आए थे, उसके बाद जो किसके लिए था, ये आपका तीन कठिया सिस्टम चलता था यहाँ पे चंपारण में, क्या चलता था, तीन कठिया सिस्टम, यानी तीन बटा बीस जो है क्या उगाना था, इंडिगो उगाना था, यही आपका तीन कठिया सिस्टम था। और ये जो है चंपारण आंदोलन को, इसमें चंपारण मूवमेंट को पहला फर्स्ट CDM कहते हैं, पहला सविनय अवज्ञा आंदोलन महात्मा गांधी का कौन था, चंपारण आंदोलन था, ठीक है। इसमें जो है गांधी जी के साथ कौन कौन था, तो गांधी जी के साथ थे आपके जे बी कृपलानी थे, फिर ब्रज किशोर प्रसाद थे, राजेंद्र प्रसाद थे, और अनुग्रह नारायण सिन्हा थे, ये चार लोग गांधी जी का साथ दिए थे वहाँ पे। फिर जो है एक जो आपका कमेटी बनता है जिसका नाम है चंपारण एग्रेरियन कमेटी, चंपारण एग्रेरियन कमेटी बनता है, जो कि एक 5 मेंबर कमेटी था, और इसमें जो है गांधी जी को भी ऐड किया जाता है। इसको लीड कौन कर रहा था, इसको लीड जो था आपका FG सलाई कर रहे थे, कौन कर रहे थे, FG सलाई जो है इसको लीड कर रहे थे। प्रेसिडेंट थे कौन थे, चंपारण एग्रेरियन कमेटी के जो प्रेसिडेंट थे FG सलाई थे, और कितने मेंबर थे, 5 मेंबर के कमेटी थे। कौन कौन थे 5 मेंबर, गांधी जी थे, फिर डी जे रीड था, DJ रीड, उसके बाद जो है G रेनी थे, GRAIN में रेनी, फिर कीर्ति आनंद सिंह थे, और LC अडानी थे, ये 5 लोग। फिर से देख लीजिए कौन कौन था, गांधी जी थे, DJ रीड था, फिर G रेनी थे, फिर कीर्ति आनंद सिंह थे, उसके बाद LC अडानी थे, अडानी, और प्रेसिडेंट कौन था, प्रेसिडेंट थे आपके FG सलाई थे। फिर से एक बार देख लीजिए, चंपारण सत्याग्रह 1917 में हुआ था, इसको रिक्वेस्टेड बाय किसने रिक्वेस्ट किया था, राजकुमार शुक्ल ने किया था, तीन कटिया सिस्टम के अगेंस्ट में था, 3/20
पे इंडिगो उपजाया जाता था, इसको हम पहला सीडीएम कहते थे, चंपारण सत्याग्रह को। इसके टाइम में कौन कौन गांधी जी के साथ कौन था, जेबी किपलानी थे, ब्रजकिशोर प्रसाद थे, राजेंद्र प्रसाद थे और अनुग्रह नारायण सिंह थे। चंपारण एग्रेरियन कमेटी की स्थापना होती है इसको देखने के लिए और 5 मेंबर कमेटी बनता है। प्रेसिडेंट कौन था, एफ जी सलाई थे प्रेसिडेंट, और 5 मेंबर कौन कौन थे, गांधी जी थे, डीजे रीड था, फिर जी रेनी थे, कीर्ति आनंद सिंह थे और एलसी अडामी थे, ADAMI अडामी थे। तो ये 5 लोग थे, प्रेसिडेंट था एफ जी सलाई। यहाँ पे नेक्स्ट है क्वेश्चन 12 कह रहा है, 12 प्राचीन महाजनपद की प्रथम, प्राचीन महाजनपद मगध की प्रथम राजधानी कौन थी, तो मगध का आपको पता होगा प्रथम राजधानी क्या थी, राजगीर थी। यहाँ पे राजगीर ऑप्शन में नहीं है तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ई इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, राजगीर। पाटलिपुत्र इसकी दूसरी राजधानी थी, तो यहाँ पे हम सबका देख लेते हैं, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ई हो जाएगा। तो यहाँ पे देख लीजिए, पहले पहला जो हमारा मगध, मगध का क्या था, राजगीर, मगध का क्या था, राजगीर। अंग का क्या था, चंपा, अंग की राजधानी कहाँ थी, चंपा थी। फिर वज्जी का क्या था, वैशाली था, वज्जी का क्या था, वैशाली। फिर काशी का क्या हो जाएगा, काशी का वाराणसी। वत्स का क्या हो जाएगा, कौशाम्बी। फिर कौशल का क्या हो जाएगा, श्रावस्ती, कौशल क्या हो जाएगा, श्रावस्ती, देख लीजिए। फिर आता है पंचाल, पंचाल का अहिचित। फिर छेदी का क्या हो जाएगा, शक्तिमती। फिर कंबोज का क्या हो जाएगा, हाटक। फिर सूरसेन का हो जाएगा मथुरा। अवंती का हो जाएगा उज्जैनी। फिर जो है कुरु का हो जाएगा इंद्रप्रस्थ। फिर जो है आपका मत्स्य का हो जाएगा विराटनगर। फिर अस्मक का हो जाएगा पोटन, POTN पोटन। फिर गांधार का क्या हो जाएगा, तक्षशिला। और फिर जो है मल्ल का हो जाएगा कुशीनगर, मल्ल का हो जाएगा कुशीनगर। फिर से एक बार देख लेते हैं, मगध का क्या हो जाएगा, राजगीर। अंग का हो जाएगा चंपा। फिर जो है वज्जी हो जाएगा वैशाली। फिर काशी हो जाएगा वाराणसी, काशी का वाराणसी। फिर वत्स का हो जाएगा कौशाम्बी, वत्स का कौशाम्बी। फिर कौशल का हो जाएगा श्रावस्ती। फिर छेदी का हो जाएगा आपका शक्तिमती। कंबोज का हो जाएगा हाटक, कंबोज का क्या हो जाएगा, हाटक हो जाएगा। फिर आते हैं हमारा सूरसेन, सूरसेन का हो जाएगा मथुरा। फिर जो है अवंती का हो जाएगा उज्जैनी। कुरु का हो जाएगा इंद्रप्रस्थ। मत्स्य का हो जाएगा विराटनगर। फिर जो है अस्मक का हो जाएगा पोटन। फिर गांधार का हो जाएगा तक्षशिला। और फिर मल्ल का हो जाएगा कुशीनगर, मल्ल का क्या हो जाएगा, कुशीनगर हो जाएगा। ऐसे आप ये 16 का 16 महाजनपद है। अब आप मेरे को एक मैं ही बताता हूँ, तो 16 महाजनपद पहले क्वेश्चन में बताता हूँ, अगर आपको आंसर पता होगा तो लिख दीजिएगा और कमेंट कर दीजिएगा, मैं आंसर बता दूंगा थोड़ी देर बाद। तो पहला आपका इसमें बताइएगा कि सोलह महाजनपद है हमारी, 16 महाजनपद में से कौन सी महाजनपद जो है आपका गोदावरी नदी के तट पे था। चलिए आपका आंसर, आपका क्वेश्चन है ये, टाइम स्टार्ट होता है, आप मेरे को कमेंट कीजिए। अब बताइए कि 16 महाजनपद में से वो ऐसी कौन सी महाजनपद थी जो कि किसके नदी, कौन सी नदी के आया था, गोदावरी नदी के तट पे थी। तो एकमात्र जो था आपका कौन था, अस्मक जो था आपका गोदावरी नदी के तट पे था, ठीक है, अस्मक। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 13 करा है, स्वामी सहजानंद सरस्वती में किससे संबंधित है। तो यहाँ ऊपर मैंने आंसर लिख दिया, हाँ यहाँ पे कोई नहीं हो जाएगा, राजगीर हो जाएगा। स्वामी सहजानंद सरस्वती निम्न में से किससे संबंधित है, तो स्वामी सहजानंद सरस्वती थे आपके बिहार में किसान आंदोलन से संबंधित है। स्वामी सहजानंद सरस्वती थे बिहार में किसान आंदोलन से संबंधित है। अब आप इसमें यहाँ से लिखना स्टार्ट कीजिए किसके बारे में, स्वामी सहजानंद सरस्वती के बारे में। सुनिए, पहला है इनके बचपन का नाम था नौरंग राय, इनके बचपन का नाम क्या था, नौरंग राय था। जन्म कहाँ पे होता है, गाजीपुर यूपी में होता है इनका जन्म होता है। इनकी जो नारा, इन्होंने नारा लिया था डंडा मेरा जिंदाबाद नारा दिया था। चौथा है उन्होंने किसान सभा स्थापित किए थे 1928 में, उन्होंने 1928 में किसान सभा की स्थापना की थी, कहाँ पर, बिहटा में किया था। उन्होंने किसान सभा 1928 में स्थापना किए थे, कहाँ पर, बिहटा पटना में किए थे। फिर जो है उन्होंने बिहार प्रांतीय किसान सभा की स्थापना करते हैं 1929 में। देखिए यहाँ पे दो अलग अलग चीज़ें हैं, एक तो है आपका था किसान सभा, एक है किसान सभा, एक है बिहार प्रांतीय किसान सभा, ठीक है। ये किसान सभा करते हैं 1928 में, कहाँ पे करते हैं, बिहटा में करते हैं, बिहटा पटना में आता है, पटना के आसपास। फिर जो है दूसरा है आपका बिहार प्रांतीय किसान सभा का गठन कब करते हैं, 1929 में करते हैं, कहाँ पे करते हैं, ये करते हैं आपका कहाँ पे, ये भी पटना में करते हैं ना, 1929 में करते हैं। अभी जगह मुझे पता याद नहीं आ रहा है कहाँ पे कर किए थे, शायद पटना में ही किए थे। और ठीक है, नेक्स्ट है हमारा, इन्होंने और क्या किया था,
पहले देखिए अफीर जो है ऑल इंडिया किसान सभा, ऑल इंडिया किसान सभा के पहले प्रेसिडेंट थे ये, ठीक है। कब? 1936 में जो लखनऊ में हुआ था, लखनऊ में जो ऑल इंडिया किसान सभा हुआ था, ऑल इंडिया किसान सभा 1936 में जो लखनऊ में किसान सभा होता, उसके पहले प्रेसिडेंट कौन थे? आपके स्वामी सहजानंद सरस्वती थे। 1935 में आपके दूसरा 1935 में देखिए यहाँ पे दो चीज़ मैं बताता हूँ यहाँ पे, एक था 1929 में एक खोले थे पहला फर्स्ट बिहार प्रांतीय किसान सभा की स्थापना किए थे 1929 में, कहाँ ये किए थे? स्वामी सहजानंद अध्यक्ष बने थे, अध्यक्ष कौन थे? स्वामी सहजानंद। दूसरा बिहार प्रांतीय किसान सभा, इसका जो हुआ था कहाँ पे हुआ था? ये हुआ था हाजीपुर में, और इसका अध्यक्षता कौन किया था? ये किए थे आपके टंडन किए थे, कौन, क्या नाम है? टंडन, पुरुषोत्तम दास टंडन किए थे, कहाँ पे? गया में किए थे। दूसरा ये 1934 में हुआ था, देख रहे ना। और तीसरा जो है बिहार प्रांतीय किसान सभा का गठन जो है 1935 में कहाँ पे हुआ था? तो ये हुआ था आपका हाजीपुर में, किसने किया था? यहाँ पे गया में हुआ था इनका, दूसरा हुआ था गया में, तीसरा जो हुआ था हाजीपुर में हुआ था, कहाँ? इसका स्वामी सहजानंद किया था। फिर से एक बार देख लीजिए 1929 का पहला बिहार प्रांतीय किसान सभा होता है, किसान सभा होता है पटना में, कहाँ पे ये होता है? पटना में होता है, और इसका अध्यक्षता स्वामी सहजानंद करता है। 1934 में दूसरा बिहार प्रोविंशियल किसान सभा होता है, कहाँ पे होता है? ये आपका आई थिंक गया में होता है, गया में होता है, और इसका अध्यक्षता पुरुषोत्तम दास टंडन करते हैं, पुरुषोत्तम दास टंडन करते हैं। फिर 1935 में तीसरा बिहार प्रांतीय किसान सभा का होता है और हाजीपुर में होता है, इसका अध्यक्षता स्वामी सहजानंद करता है, ठीक है, स्वामी सहजानंद करते हैं। तो ये तीन लगातार आप इसको याद कर लीजिएगा, ठीक है, यही बताने वाला था, कंफ्यूज हो रहा था। अब यहाँ पे एक है आपका, यहाँ पे एक आता है आपका देखिए यहाँ पे एक आता है आपका यूपी किसान सभा। यूपी किसान सभा को जो है 1918 में आता है, और किसने लीड करता है? यहाँ पे गौरी शंकर और इंदिरा नारायण लीड करते हैं इसको। यूपी किसान सभा को 1918 का कौन लीड करता है? गौरी शंकर और इंदिरा नारायण लीड करते हैं। फिर जो है एक अवध किसान सभा आता है 1920 में, इसको बाबा रामचंद्र लीड करते हैं। अवध किसान सभा 1920 में बाबा रामचंद्र जो है इसको लीड करते हैं। फिर जो है लास्ट में कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी जो है 1934 में बनती है, कहाँ पे? पटना में, और इसको लीड करते हैं आचार्य नंददेव और जयप्रकाश नारायण, ठीक है। फिर से एक बार पूरा देख लीजिए इनके बारे में। पहला है आपका स्वामी सहजानंद सरस्वती, इन्होंने किसान सभा का स्थापना करते हैं 1928 में, किसान सभा का स्थापना 1928 में कहाँ पे? बिहिटा पटना में करते हैं। दूसरा 1929 में कहाँ पे? 1929 में बिहार प्रांतीय किसान सभा का स्थापना करते हैं पटना में, और हेड कौन है? स्वामी सहजानंद हेड होते हैं। फिर तीसरा आपका 1934 में बिहार प्रांतीय किसान सभा कहाँ पे? आपका गया में, कौन करता है? पुरुषोत्तम दास टंडन करते हैं। फिर चौथा है 1935 में कहाँ पे? ये तो कहते हैं 1935 में आपके हाजीपुर में बिहार प्रांतीय किसान सभा का तीसरा अधिवेशन जो करते हैं आपका हाजीपुर में, कौन करते हैं? स्वामी सहजानंद करते हैं। इतना चीज़ हो गया। फिर है इनका नारा क्या था? डांडा मेरा जिंदाबाद, और नौरंग राय इनका नाम था, गाजीपुर में इनका जन्म होता है। बिहार प्रोविंशियल किसान सभा की स्थापना करते हैं, और इस तरह से आपका हो जाएगा, ठीक है, यहाँ पे आप कंप्लीट होता है इनका, स्वामी सहजानंद सरस्वती का। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन 14 पे आते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा भारत में गांधी जी का प्रथम सत्याग्रह आंदोलन था, जिसमें उन्होंने सविनय अवज्ञा का प्रयोग किया था? तो याद किया, निम्नलिखित में से कौन सा भारत में गांधी जी का प्रथम सत्याग्रह आंदोलन था, जिसमें उन्होंने सविनय अवज्ञा आंदोलन का प्रारंभ प्रयोग किया था? तो ये था हमारा चंपारण आंदोलन। चंपारण जो था इसको हम क्या कहते हैं? फर्स्ट CDM कहते हैं। पहला सविनय अवज्ञा आंदोलन था। खेड़ा को क्या कहते हैं? पहला नॉन कॉपरेशन मूवमेंट NCM, पहला नॉन कॉपरेशन असहयोग आंदोलन कहते हैं खेड़ा को। अहमदाबाद में फर्स्ट हंगर स्ट्राइक होता, पहला भूख हड़ताल हुआ था आपका अहमदाबाद में। रॉलेस सत्याग्रह होता, पहला मास मूवमेंट क्या होता? रॉलेस सत्याग्रह। फिर देखिए, चंपारण जो था पहला CDM था, खेड़ा जो था पहला NCM था, अहमदाबाद पहला भूख हड़ताल था, और चौथा था पहला मास स्ट्रगल था, रॉलेस सत्याग्रह। तो ये हमारा आज के लिए इतना ही रखते हैं, 14 नंबर क्वेश्चन तक रखते हैं, और ऊपर देख लेते हैं आपका इंग्लिश में देख लेते हैं एक बार, जल्दी से कंप्लीट कर लेते हैं।
द फेमस बैटल ऑफ वंदीवास जो बैटल ऑफ वंदीवास है वो हुआ था 1760 में, फाउंड बाय द ब्रिटिश अगेंस्ट होम, किसके अगेंस्ट में ब्रिटिश लड़ा था, तो ये आपका फ्रेंच के अगेंस्ट में लड़ा था। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन नंबर 8 कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग एक्ट, इनमें से कौन सा एक्ट था इंट्रोड्यूस किया था सेपरेट इलेक्टेड फॉर इंडिया, तो सेपरेट इलेक्टेड फॉर इंडिया किसको दिया था आपका इंडियन काउंसिल एक्ट ऑफ 1919 में, किसके लिए था, स्पेशली मुस्लिम लोग के लिए था, मुस्लिम को अलग पृथक निर्वाचन क्षेत्र मिला था। नेक्स्ट है कोल मुटनी जो 1831 में हुआ था बुद्धू भगत के अंडर में, वो कहाँ पे हुआ था, तो आपका सिंहभूम में हुआ था, ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 10 कराए हु स्पेयर हेडेड द 1857 रिवॉल्ट इन बिहार, बिहार के 1857 के रिवॉल्ट का लीड कौन करा था, तो कुंवर सिंह लीड करे थे, ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन है 11 हु ड्रू गांधी जी अटेंशन टू द प्लाइट ऑफ इंडिगो पिजन, इंडिगो पिजन के दुर्दशा के हेतु किसने गांधी जी को अपने तरफ अटेंशन किया था, इसके साथ राजकुमार शुक्ल थे, ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 12 करा है विच वॉज द फर्स्ट कैपिटल ऑफ एंशियंट महाजनपद मगध, मगध का पहला, मगध महाजनपद की पहली राजधानी क्या थी, तो आपके राजगीर थी, यहाँ पे कोई भी ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट नहीं है, तो ऑप्शन ई इसका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है स्वामी सहजानंद सरस्वती रिलेटेड टू विच ऑफ द फॉलोइंग, किससे जुड़े थे, तो यह आपके किसान मूवमेंट से, यानी यहाँ पीसन मूवमेंट है, किसान मूवमेंट नहीं है, यहाँ पे पीसन मूवमेंट दे रखा है, तो पीसन मूवमेंट ने किसान मूवमेंट से जुड़े थे, ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन कह रहा है 14 विच ऑफ द फॉलोइंग वाज गांधी जी, विच ऑफ द फॉलोइंग वाज द गांधी जी फर्स्ट सत्याग्रह मूवमेंट इन इंडिया विच यू सिविल डिसोबिडियंस मूवमेंट, तो पहला CDM का था आपका चंपारण था, पहला MCM खेड़ा था, अहमदाबाद पहला हंगर स्ट्राइक था, और आपका जो रॉयल सत्याग्रह है पहला ये क्या था, पहला मास मूवमेंट था, मास आंदोलन था। तो ये हमारा आज के 14 देखते हैं, कल हम लोग 15 तक देखेंगे, और देखिए यहाँ पे आपको कैसा लगा बताइएगा, इसमें मैंने 25 साल के जो पिछले जितने भी आपके क्वेश्चन सॉल्यूशन हैं उसमें उसे लेटर मैंने दिया है, और इसमें जो आने वाले क्वेश्चन हो सकते हैं वो भी मैं यहाँ पे डाला हूँ, बताइएगा कैसा लगा, इसका नोट बनाएंगे फ़ायदा होगा। BPSC अभी 30 दिन टाइम है, तो 30 दिन में हम लोग अगर ऐसा भी करके देखेंगे चलेंगे धीरे धीरे, तो हम लोग का मेन है आपको 60-62 तक पहुँचना है। देखिए 66 स्टार्ट करेंगे, उसके बाद 65 पे जाएंगे, उसके बाद 64वीं पे जाएंगे, उसके बाद 63वीं पे जाएंगे, उसके बाद 62वीं पे जाएंगे, तो बस इतना ही पे रखेंगे हम लोग, 5 साल का देखेंगे, इसी में हम लोग जो पिछले 25 साल के क्वेश्चन है ना उसको हम डिस्कस कर लेंगे यहाँ पे, ठीक है। तो आगे मिलते हैं अगले नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत, धन्यवाद।